हाँ जी, क्वेश्चन है तुम्हारे पास ईशान? एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ग्रुप पे भेजा है। ओके अच्छा, ये था 22। सो क्वेश्चन है क्या, मिस्टर फ्लावर्स प्लांट 10 रोज बसेस ना इन अ रो, 8 ऑफ द बसेस आर व्हाइट एंड 2 आर रेड। सो लाइक इसके पास है ना 8 आर व्हाइट 2 आर रेड। ओके क्वेश्चन ये है, एक्चुअली क्या है ना, डाउट जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे भेजते रहते हैं, मुझे उतना टाइम मिलता नहीं क्योंकि बहुत सारा काम मेरे पास ऑलरेडी होता है, तो क्लास में ही डाउट डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, 2 रेड है और 8 जो है वो व्हाइट है, एंड द प्लांट देम इन रैंडम ऑर्डर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कंसेक्यूटिवली प्लांट 7 और मोर व्हाइट बुशेस। सो लाइक ये पूछ रहा है कि पहले तो टोटल कितने तरीके से वो अरेंज कर सकता है ना। तो एक तो तरीका है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन हम सैम्पल स्पेस फाइंड करें, लाइक टोटल नंबर ऑफ वे है ना, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग दिस ना। सो क्या होगा जी, कोई बताओ। सो तुम्हारे पास टोटल 10 नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, जिसमें से 2 आइडेंटिकल है आर आर एंड बाकी 8 भी आइडेंटिकल, मतलब तो 2 टाइप के हैं है ना। सो तुमने पढ़ा होगा इस तरह की चीजें। सो टोटल वी हैव एन क्या ऑब्जेक्ट्स, सो एन मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स है ना, 2 आर ऑफ 1 काइंड एंड 8 आर ऑफ अनदर काइंड है ना, इस तरह से तुमने पढ़े होंगे। ओके अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ही विल कंजिक्यूटिव। ठीक है, ये समझ आ रहा है वो कैसे होता है, तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स वर्ड है, हाउ मेनी परम्यूटेशन आर देयर है ना, बाई परम्यूटिंग द वर्ड्स इन मैथमेटिक्स या परम्यूटेशन या कोई भी वर्ड है, तुम उसमें देखते थे टोटल कितने वर्ड्स हैं एंड देन उसमें जो रिपीटेशन है उससे डिवाइड करते हो। सेम चीज यहाँ पे है, तुम्हारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 10 ऑब्जेक्ट्स है जिसमें 2 एक टाइप का है बाकी 8 एक टाइप का है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही विल कंजिक्यूटिवली प्लांट 7 और मोर व्हाइट बुशेस, लाइक एक साथ जो होंगे कंजिक्यूटिव होंगे 7 या 7 से ज्यादा व्हाइट बुशेस। सो जब वो प्लांट कर रहा होगा सो व्हाइट बुशेस विल बी टूगेदर 7 और मोर, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ क्या कैसे कर सकते हैं इसको हम, हमें मान लो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई लिखता हूँ, तो ई का मतलब हुआ नंबर ऑफ वे है ना 7 और मोर। सो मोर मतलब 8 ही हो सकता है ना, टोटल 8 हमारे पास व्हाइट बुसेस हैं, सो कैन मैक्सिमम 8 हो सकता है, 7 और 8 व्हाइट बुसेस आर कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव। सर आंसर क्या रहा है इसका? आपका क्या आ रहा है? सर ऐसे किया है मैंने ऐसे ये मुझे याद आ रहा है तो कि लेक्चर 2 3 में मैंने कराया, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है, तब सर आंसर क्या आया था। कराया था सर। हाँ सर मुझे याद इसमें आ ये रहा होगा सर, 7 वाइट को साथ में ले लेंगे एक बार, फिर 8 को लेंगे, फिर जो सर उसमें कॉमन आएंगे उनको माइनस कर देगा। है। हाँ उस तरीके से भी राइट। सो एक हम 7 को टुगेदर जैसे कंसीडर करते हैं और बाकी एक व्हाइट एक्स्ट्रा बचेगा, 1 रेड और 1 रेड। तो इस तरीके से है। अब इसमें क्या है कि मतलब 7 एक साथ है, लेकिन प्रॉब्लम अच्छा मतलब वही है, ठीक है तुम ऐसे कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है कि 8 8 हम एक साथ ले ले और दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन जो एक्चुअली लोग है ना
ना माइनस इंटरसेक्शन, सेवन और मोर बोला है ना, सेवन और मोर वाइट पुसेस आर टुगेदर, तो देखो होगा क्या, जैसे सात बूस यहाँ पे एक साथ है व्हाइट है ना, सात व्हाइट है, और अगला वाला भी अगर व्हाइट ही हो गया या पहले एक व्हाइट आ गया फिर सात व्हाइट आ गए तो बात बराबर ही है। तो अगर हम इस तरह से अरेंज करें, क्योंकि इसमें क्या है कि आठ व्हाइट कब हो जाएगा, जब एक वाला व्हाइट वाला उसके आस पास ही हो, मतलब उसके इस साइड या उस साइड हो। सर वो बुक शेल्फ वाली प्रॉब्लम होती है ना कि तीन बुक्स एक साथ ही रखना है तो तीनों को एक कंसिडर कर लो, ये वैसे ही है ना कि सात चीजें या आठ चीजें एक साथ हो। सर सात का निकालेंगे फिर आठ का, फिर जो सर सात में एक ज्यादा हो रहा है व्हाइट वाला वो माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन ना, मतलब सेवन एंड एट, सेवन एंड एट बोथ आर टुगेदर, सो मतलब सेवन बुसेस और एट बुसेस एंड होगा, तो एंड का मतलब है वो केसेस हमें लेने हैं इसमें आठ सात है। ओके तो वही बात मतलब यही वाला कॉमन आएगा। एक्चुअली क्या है, मान लो इसको मैं इवेंट ए बोलता हूँ और इसको इवेंट बी बोलता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो बी ही होगा, क्योंकि बी इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ ए, है ना, बी इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ ए, सो लाइक वी कैन ऑल्सो से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए में बहुत सारे केसेस हैं, उन्हीं में कुछ केसेस बी वाले हैं। सर जैसे इसमें क्या करना है ना, पहले तो टोटल नंबर ऑफ रेज निकालेंगे, तो हम लोग को आया है सीधा 45, मतलब उसको कैलकुलेट करने के बाद। अच्छा ये सॉल्व ठीक है, हां ये 45 आ गया, ठीक है ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट वाला केस में है कि मतलब लगातार सेवन रखना है और या सेवन से अधिक, मतलब क्वेश्चन में पूछा है, तो पहले सेवन वाला केस लेंगे, ठीक है। तो सेवन वाला केस कितना आ रहा है कि सेवन को एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, पूरा सेवन व्हाइट है ना, तो सेवन को पूरा एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, उसके बाद टू रेड है तो वो दो रेड हो गया और वन और व्हाइट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेंगे फोर, मान सकते हैं ना, सेवन प्लस वन प्लस वन, जैसे तुम देखते हो ना, और वॉवेल्स आर टुगेदर, सो टुगेदर को एक मान लिए। हाँ, जैसे बुक से बता रही है। अब उसमें टू ऑब्जेक्ट है जो सेम टाइप का है, मतलब कि रेड वाला जो है उसको फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल टू करेंगे तो चार तीन बारह आएगा, मतलब ट्वेल्व केसेस आएंगे फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल टू। हाँ मतलब ये है, मतलब हमारे पास चार ऑब्जेक्ट है, एक ये हुआ, हाँ चार ऑब्जेक्ट है और उसमें से जो दो ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइप का है, आइडेंटिकल है, हाँ, तो टू फैक्टोरियल से तुम डिवाइड कर दोगे। हाँ और ये हो गया, तो इसका मतलब 12 आंसर ये आया। अब बचा हमारे पास 8 नंबर वाला केस, ये 12 कीजिए। ये 12 आएगा तुम्हारा 24 बाई 2। हाँ जब हम 8 केस मतलब 8 वाइट एक साथ रखेंगे तो उसको एक ऑब्जेक्ट मानते हैं और रेड को डब दो रेड है तो उसको दो ऑब्जेक्ट, तो थ्री ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, यानी तीन केसेस ऐसे आ रहे हैं जो इसमें कॉमन है। तो यहाँ तुम्हारे आ गया 12, ये आ गया। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आठ जो व्हाइट है तो उसको एक साथ रखते हैं तो उसको एक ऑब्जेक्ट गिनेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक रेड और एक रेड मतलब दो रेड, वो तो पूरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 हो गया ना, एट रेड और वन रेड एंड एट व्हाइट एंड वन रेड एंड वन रेड, 3 ऑब्जेक्ट हो गया और उसमें दो सेम है, तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। हाँ ये रेड है, ये रेड है, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो बात वही है, ठीक है, तुम्हारे तरीके से कर लेते हैं। तो इसमें अगर फाइंड करोगे तो लाइक तुम्हारे पास ऑल व्हाइट्स आर टेकन टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे आठों को एक साथ ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, इसीलिए इसके अंदर परमुटेशन होने का कोई वो सीन नहीं है क्योंकि आइडेंटिकल है, इसके अंदर परमुटेशन नहीं होगा। तो 3 ऑब्जेक्ट है, 3 फैक्टोरियल और कॉमन में डिवाइड, ये तुम्हारा कितना आया, तीन के। हाँ ये तीनों केस इस ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुका है हम लोगों का ऊपर वाले में देखा जाए तो। हाँ तो अब ये हमारे पास बचा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस हो जाएगा 12 माइनस 3 यानी 9। ओके और ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया 45, मतलब 9 बाई 45। ओके सो यहाँ से ये मतलब है,
तो क्वेश्चन ये था आइदर सेवन और एट है ना, तो इसमें तुम्हारा ये थ्री केसेस इसमें आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो तीन बार ही आया होगा ना, सो द क्वेश्चन वाई सब्ट्रैक्शन, वाई सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली सर जो ये जो थ्री केसेस आ रहे हैं, मान लीजिए जैसे आठ हम लोग ऐसे रख रहे हैं, तो ऐसा आएगा ना जैसे पहले पहले वाले जो केस में है सात एक साथ रखेंगे ठीक है, जब आठवां रखेंगे तो ये इसमें मैच कर जाएगा, एक यहाँ मैच करेगा, और एक स्टार्टिंग में मान लीजिए रख दिए मतलब स्टार्टिंग वाला, तब भी एक एट सिमिलर हो जाएगा, तो वो डबल हा? वो चीजें डबल काउंट हो रही है, ऐसा तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे चीजें डबल हो रही है। फॉर एग्जांपल देखो, तुम देखोगे सात व्हाइट है, फिर एक व्हाइट रखे तुमने और फिर रेड रेड, या एक केस समझो व्हाइट सेवन व्हाइट रेड रेड, ये दोनों तुम्हें लग रहा होगा अलग, लेकिन दोनों सेम ही बात है ना, क्योंकि एट व्हाइट्स आर टुगेदर यहाँ पे है, देखो दीज आर टुगेदर एंड दीज आर टुगेदर, ओके मतलब यहाँ के आठों व्हाइट एक साथ है, यहाँ भी आठों व्हाइट एक साथ है, तो इसमें वो चीजें दो बार काउंट हो रही है, जो एक केसेस हमने लिए हैं उसमें ये वाले जो चीजें हैं ये इसमें दो दो बार काउंट हुई है, मतलब जो बी वाला केस है जब एट व्हाइट टुगेदर है तो ये चीजें यहाँ ट्वाइस काउंट हुई है, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट इट अदरवाइज, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दो बार काउंट कैसे हुई, ये डबल बार काउंट हो रहा है इसीलिए घटा रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट घटा रहे हैं चाहे जैसे का। तो इस तरीके से यू कैन सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो मैंने पहले सिर्फ एक केस कंसिडर किया होगा वहां पे, ठीक है, चेक करना वहां जो मैंने किया था उसमें आंसर क्या आया था, क्योंकि आंसर मतलब आया होगा तब भी मुझे डर है कि मैं सॉल्व कराए होंगे, तो आंसर मैच कराए होंगे मे बी। सो क्वेश्चन ये था फाइनल कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेवन और एट व्हाइट बुसेस आर टुगेदर या कंसेक्यूटिव, ठीक है, कंसेक्यूटिव, सो तो ये तुम्हारा आ गया कि इसमें 12 जो केसेस है इसमें ये तीन वाले डबल काउंट हुए, मतलब ये है तो 6 वो प्लस 3 वो, मतलब टोटल तुम्हारे पास 9 होंगे, ठीक है, सो 9 केसेस अपॉन 45 केसेस, तो 1/5 हुआ, ओके चेक कर लो एक बार सही आंसर है क्या, तो ये हुआ वो केसेस तुम काउंट भी कर सकते हो कि ये जो थ्री है कैसे आया, यहाँ पे तुम देखो रेड फिर एक व्हाइट सेवन व्हाइट रेड या रेड सेवन व्हाइट वन व्हाइट रेड, दिस टू आर सेम थिंग, इसकी वहां दो बार काउंट हुआ है, तो इस तरह से एक और मिल जाएगा तुम्हें, 6 ऐसे मिल जाएंगे लास्ट, मतलब अगर वो केस देखना चाहोगे तो होगा रेड रेड फिर व्हाइट सेवन व्हाइट और रेड रेड सेवन व्हाइट व्हाइट, ये 6 केसेस हैं जो इन 12 में आया है, तो ये जो 6 केसेस यहाँ काउंट हुआ इन साइड 12, लेकिन एक्चुअली कंट्रीब्यूट 3 ही कर रहा है ये, मतलब एक्चुअली में देखोगे तो लॉजिक के हिसाब से यू हैव टू काउंट ओनली 3, डबल काउंट नहीं करना एक ही चीज को, तो एक ही चीज को हम इसको डबल 2 + 2 + 2 6 है, लेकिन ये 6 ने एक्चुअली 3 ही है, तो इसमें से 12 में से 3 मुझे माइनस करना पड़ा क्योंकि तीन चीजें रिपीटेटिव है, तो वो हमें माइनस करना पड़ा, फाइन, ओके अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अच्छा लास्ट क्लास वाले डाउट में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मैंने ट्राई नहीं किया तो देखेंगे, अभी हम लोग कर रहे थे जी, कोई कुछ पूछ रहा है सर, UMV इनवेरिएंस प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है ना, नहीं उसका आज हम डिस्कस, आज अभी हम UMV डिस्कस करेंगे आज, तो आज उसी को डिस्कस करने वाले, वो यूनिक होता है, UMV यूनिक होता है किसी एक स्टैटिस्टिक्स के लिए, उसकी एक प्रॉपर्टी मैं लिखाता हूँ, अभी हम UMV आज करने वाले हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट डिस्कस किया था, ठीक है, तो अभी मैं एक बार
देखो आज इसको इस टॉपिक को खत्म करेंगे, तो मेरा आज प्लान है ठीक है। तो अभी मैं क्या आज आज क्या डिस्कस करूंगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कंप्लीट, हमने पीडीएफ भेजा था उसको अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ मैं डिस्कस नहीं कर पाया था बट क्वेश्चन में उसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं दोबारा। तो अभी मैं यहाँ पहले ये थ्योरम लिखा देता हूँ, व्हाट इज दिस राव, है ना, दिस राव ब्लैकवेल थ्योरम एंड व्हाट इज लेमन सेपी थ्योरम, और इसका एप्लीकेशन क्या है टू फाइंड यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस सनबर्स एस्टिमेटर। तो अभी यहाँ हम इसको डिस्कस करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें हर साल एक क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन ठीक है। एक तो यूएमवी के लिए दो तरीका था कि जो भी एस्टिमेटर क्रैमर राव इनइक्वालिटी को इक्वालिटी होल्ड करता है कंडीशन, वो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस सनबायस एस्टिमेटर होगा और सफिशिएंट कंडीशन है ना वो इक्वालिटी उसकी। और दूसरा अभी हम देखने वाले हैं लेमन सेफी थ्योरम, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी डिस्कस करते हैं फिर उसको क्लियर करते हैं। कंप्लीट सफिशियंट फिर UMVUE, ये तीनों रिलेटेड है क्योंकि अच्छा कंप्लीट सफिशिएंट, अच्छा मैं लास्ट क्लास में बताया, देखो मोस्टली हमने क्या देखा था, सफिशिएंट फाइंड करने का तरीका तुम्हें पता है, वो जो फैक्टराइजेशन थ्योरम एक है वो है, और दूसरा हमने जो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें डाउट नहीं होगा। कंप्लीट के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे UMVUE फाइंड करने के लिए, वो मेनली एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला ही कॉन्सेप्ट काफी है, उतनी ही तुम्हें जरूरत पड़ेगी चेक करने के लिए। जो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू ये था कि हमारा जो पीडीएफ है दैट इफ यू राइट इन दिस फॉर्म, सो लाइक कुछ ऐसा होगा, लेट मी राइट इट लाइक एच एक्स प्लस जी थीटा फिर समथिंग लाइक डब्लू एक्स या डब्लू थीटा टी एक्स, सिंगल पैरामीटर के लिए बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से होगा। तो हमने ये देखा था कि टी ऑफ एक्स आई समेशन आई फ्रॉम वन टू एन दिस इज सफिशियंट, ये बिना किसी प्रॉब्लम के सफिशियंट होगा, और ये तब लगाते हैं जब जो रेंज स्पेस है तुम्हारा मतलब सपोर्ट ऑफ दिस पीडीएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। फिर इसमें ये था कि अगर जो पैरामीटर स्पेस है वो मेगा थीटा, या बुक में तुम देखोगे ये इस तरह से बिग थीटा यूज करते हैं लोग, वही बात है। सो दिस कंटेन्स ओपन सेट है ना इन आर के, सो आर के मतलब के पैरामीटर है, तो सिंगल पैरामीटर है तो इन आर, ठीक है, इट कंटेन ओपन सेट इन आर, देन यू कैन से दैट ये जो हमने फाइंड किया समेशन टी ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम वन टू एन दिस इज कंप्लीट। अब ये तो थ्योरी हो गया, तो प्रॉब्लम जितना ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उससे और चीजें क्लियर होंगी, तब मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करूंगा आज थ्योरी खत्म करने के बाद, या नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रॉब्लम ही करेंगे। तो अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आए और कैसे सॉल्व करेंगे। This is complete statistics. So, अभी तुम्हें सिर्फ यही यूज करना है, कंप्लीट के लिए इतना काफी है, ठीक है, सफिशियंट फाइंड करना है, फिर उसी सफिशियंट को कंप्लीट चेक करना है, क्योंकि सफिशियंट कंप्लीट और अनबायस्ड ये तीनों मिलके UMVUE बनाता है जो कि लेमन सेफी थ्योरम है। मींस कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कंप्लीट फाइंड करना हो तो पहले उसका सफिशियंट फाइंड करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें यहाँ सफिशियंट के साथ ही जरूरत है। तुम्हारे जैम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें ऐसा पूछा होगा कि सफिशिएंट नहीं है कंप्लीट है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें, ऐसा आया है सफिशिएंट है कंप्लीट है, सफिशिएंट है कंप्लीट नहीं है, तो बस वहाँ प्रॉब्लम है कंप्लीट है कि नहीं, बस वैसे ही ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें नॉट सफिशिएंट एंड कंप्लीट, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा एस्टिमेटर है, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि लाइक ओनली कंप्लीट इज इरेलीवेंट, मतलब उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक सिर्फ कंप्लीट है तो उसका कोई यूज नहीं है इतना, तो सफिशिएंट के साथ कंप्लीट है तो उसका बहुत एडवांटेज है, तो इसलिए हम वो पढ़ते हैं कंप्लीट जो सफिशिएंट है, उसके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग। मतलब कंप्लीट हमेशा सफिशिएंट ही होगा? नहीं, सफिशिएंट जो कि कंप्लीट भी है
तो वो रेलिवेंट है हमारे लिए, लेकिन वो कंप्लीट जो सफिशियंट नहीं है, मतलब सफिशियंट नहीं है लेकिन कंप्लीट है, तो उसका ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में। बट ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी कंप्लीट है वो सफिशियंट ही होंगे। तो मैं उसका भी एग्जांपल लिखा हूँ, सो आई वाज रीडिंग टुडे है ना, सो उसमें मुझे मिला है, सो मैं लिखता हूँ। सो चूंकि हम यहाँ पे जो देखेंगे अभी कॉन्सेप्ट, उसमें जरूरत है कंप्लीट एंड सफिशियंट, मतलब सफिशियंट एंड कंप्लीट। तो यहाँ बच्चों को फिर ऐसा लगता है कि जितने कंप्लीट है वो सफिशियंट होंगे, जरूरी नहीं है। सो लाइक स्टैटिस्टिक्स, सो इसको मैं नोट में लिख देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स विच इज कंप्लीट may not be sufficient, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लो एक्स वन एक्स टू एक्स एन यूनिफॉर्म जीरो थीटा ही ले रहते हैं, ठीक है। तो इसका किसी को याद है what is a sufficient statistics for that? फाइंड करके देखता हूँ, एक्स एन होगा। सो लाइक चलो मैं टी वन बोल देता हूँ, तो एक्स एन जो है वो सफिशियंट है। अब इसको कंप्लीट चेक करना वो है, बट चेक करना मैं बताया था इसका जो दूसरा स्टैटिस्टिक मैं लिखता हूँ। सो दूसरा स्टैटिस्टिक्स टी टू, दिस इज लाइक, अच्छा इसका वो क्या आता है, मेथड ऑफ मोमेंट, टू एक्स बार, ठीक है। सो टू एक्स बार अगर तुम चेक करो, सो दिस इज कंप्लीट बट नॉट सफिशियंट। तो एक एग्जाम्पल चाहिए था हमें, वो काफी है, नॉट सफिशियंट, ठीक है। ये सफिशियंट है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, आगे तुम्हें चेक करना हो तुम चेक कर सकते हो कंप्लीट है कि नहीं है, है ना। जबकि ये कंप्लीट भी है, तो मैं बताया तो दिस इज सफिशियंट एंड कंप्लीट बोथ। तो मेनली हमारा भी इंटरेस्ट उसमें था कि वैसा स्टैटिस्टिक्स जो कंप्लीट हो लेकिन सफिशियंट ना हो, तो वो ये है टू एक्स बार, कंप्लीट है सफिशियंट नहीं है। एक्सएन जो है वो सफिशियंट भी है कंप्लीट भी है, डेफिनेशन से प्रूफ कर सकते हैं। सफिशियंट तुम्हें आ जाएगा फैक्टराइजेशन थ्योरम से, और कंप्लीट प्रूफ करने के लिए तुम्हें डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म जीरो थीटा में एक्स आई जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तुम फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज नहीं कर पाओगे, तो कंप्लीट डेफिनेशन से हो पाएगा। तो अभी हमारा पॉइंट ये नहीं था, पहला वाला टी टू मेन हमारा इस पॉइंट के लिए आंसर है कि टू एक्स बार इज कंप्लीट बट नॉट सफिशियंट। हाँ बताओ, आ रही है? ठीक, अभी कोई दर्द नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आंसर हो गया कि जरूरी नहीं कि सारे कंप्लीट सफिशिएंट ही होंगे। और भी है, एक और एग्जांपल देता हूँ, सॉरी फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल एक और है कि लाइक यू हैव एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड लेट मी से एक्स एन, ठीक है, नॉर्मल थीटा कॉमा वन। So, इसमें अगर तुम चेक करना चाहो, सो लाइक टी वन इफ आई टेक एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू ओनली दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट बट इट इज नॉट सफिशियंट। पेन वर्क नहीं कर रहा, ओके, कंप्लीट बट नॉट सफिशिएंट। कैसे कंप्लीट होगा? अब इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सो डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस? डेफिनेशन लगाते हैं? यस सर। तो टी वन का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे, सो टी वन का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही आएगा, मैंने इसको नॉर्मल वन लिया है, तो हम जानते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ऑफ नॉर्मल्स आर ऑलवेज नॉर्मल, तो ये भी नॉर्मल ही होगा। तो टी वन का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, वो आ जाएगा। फिर डेफिनेशन क्या कहता है कि ई ऑफ जी टी को तुम जीरो पुट करो और ये प्रूव कर दो कि जी टी जीरो हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। ये ईजी है, कर लोगे, करके देखो। जैसे लास्ट क्लास में एक दो एग्जाम्पल हमने ट्राई किए थे प्रूव करने का। सो तो ये तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है ना सर?
जी ऑफ टी कोई भी फंक्शन हो सकता है, तुम जैसे जब क्या होगा तुम्हारा, जब टी नॉर्मल है तो जब तुम एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करोगे, तो एक्सपेक्टेशन होगा जी टी टाइम्स पी डी एफ, अब उसका इंटीग्रल है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी इक्वल टू जीरो, मतलब उसे जनरली रखना है, पर्टिकुलर नहीं करना। हाँ मतलब इन जनरल किसी भी जी के लिए वो करेगा, मतलब कोई भी जी हम ले सकते हैं, जी इज एनी फंक्शन। सर आ गया समझ, डेफिनेशन मान लीजिए इसमें कर सकते हैं कि जो लिमिट है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी लेंगे नॉर्मल का, और जी जी टी लिख के उसके बाद जितना सारा पीडीएफ है वो लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जीरो कब आएगा जो कि ये जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो जीरो नहीं हो पाएगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि जी टी होगा, जी टी को जीरो होना पड़ेगा वरना बाकी पार्ट तो पॉजिटिव है तो वो इंटीग्रल पॉजिटिव लेगा, तो जी टी जीरो होगा तभी केस में आंसर जीरो आएगा। सर ये तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो उससे क्यों नहीं कर रहे हैं, उससे ट्राई कर। अच्छा तो वो देखो वो एक्चुअली सफिशिएंट कंडीशन, जैसे क्या होता है ना ऐसा हो रहा है तो वैसा होगा, तो मतलब इफ एंड ओनली इफ नहीं है, मतलब जैसे जो ऐसा नहीं हो रहा है तो वो भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल देखो एक्सपोनेंशियल फैमिली पर जो फिट हो रहा है तो वो कंप्लीट होगा, लेकिन जो फिट नहीं हो रहा है तो उसको तुम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सर एक्सपोनेंशियल फैमिली पे कब जाते हैं, जब हमको कोई सफिशिएंट स्टैटिस्टिक पे बेस्ड कोई स्टैटिस्टिक हो और उसका कंप्लीटनेस चेक करना हो तब हम करते हैं। हाँ सर कंप्लीट सफिशिएंट दोनों चाहिए मुझे इसके लिए। अच्छा तो अलग अलग क्राइटेरिया है तुम ऐसे ट्राई कर सकते हो, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ऐसे हो सकते हैं जो उसमें नहीं भी आ रहे हैं ना, जैसे अब क्रैमर और लोअर बाउंड वाला ही था कि अगर जो भी क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वलिटी को होल्ड करता है वो यूएम ही होगा, लेकिन जो होल्ड नहीं करता है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो हो भी सकता नहीं भी, मतलब यहाँ इफ एंड ओनली इफ नहीं है, इफ एंड ओनली इफ होता है तो काम आसान होता है, लेकिन वन वे हेल्थ में ध्यान देना पड़ेगा कि अगर होल्ड कर रहा थ्योरम वो ठीक है, लेकिन इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो देन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सो लाइक उस तरह से ही है। तो जो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला सिचुएशन है वो भी वन वे है, वन वे है मतलब सिर्फ लेफ्ट टू राइट जा सकते थे, तो जो भी उसमें फिट बैठ रहा है वो कंप्लीट होगा, फिट नहीं बैठ रहा तो कुछ नहीं कह सकते, तो लाइक अगर ये उसमें फिट नहीं बैठ रहा है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो हमें फिर डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। सर इसका इसके लिए समेशन ऑफ एक्स आई सफिशिएंट होगा? समेशन एक्स आई तुम्हें चेक करना पड़ेगा, मे बी यस, हां एक्स बार आ जाएगा सर। तो जब समेशन ऑफ एक्स आई सफिशिएंट हो रहा है तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है ना, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है सर इसमें, इसका तो बोल लिख के दो। अच्छा fx क्या होगा, कंफ्यूजन क्या होगा, बताओ। सो व्हाट इज fx फॉर दिस? 1 बाय अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस 1 बाय 2 x माइनस थीटा होल स्क्वायर। तो इसको तुम जरा ओपन करो, 1 बाय रूट 2 पाई e रेस्ट टू पावर माइनस हाफ, ये तो पता है सर कि सभी समेशन ऑफ x आ जाता है, नहीं यहां से कुछ और भी शायद आएगा, चेक करो इसको, मतलब पुट करो क्या आएगा, x स्क्वायर थीटा स्क्वायर, अच्छा माइनस टू एक्स थीटा, ये बोल रहे ना? हाँ, समेशन तो लगाए नहीं, अगर n टाइम्स हो। अभी तो हम पीडीएफ लिख रहे हैं, तो मतलब एक्सपोनेंशियल फैमिली को लिखोगे तो वो तुम्हारा ऐसा कुछ आ जाएगा, सो x का फंक्शन अलग है, e रेस्ट टू पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अलग कर दो, e रेस्ट टू पावर माइनस हाफ थीटा स्क्वायर अलग, और फिर इसको तुम लिख लो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस हाफ टाइम दिस, तो x थीटा हो गया। तो यहाँ से ये पता चल गया कि समेशन एक्स आई जो है सफिशियंट होगा, यहाँ एक ही पैरामीटर है, हाँ ठीक है, हाँ कांस्टेंट है। तो सर कभी हम भी पढ़े थे शायद कि जब समेशन ऑफ एक्स आई सफिशियंट है तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स फाइव तक भी सफिशियंट हो सकता है, एक्स वन प्लस एक्स टू भी सफिशियंट हो सकता है, एक मेंबर भी सफिशियंट हो सकता है उसके लिए। नहीं लेकिन इसके लिए थोड़ा तुम्हें वो देखना पड़ेगा कंप्लीटनेस की बात, अभी सफिशियंट की बात करें ना। हाँ सो दिस इज सर जैसे उस एग्जांपल में दिया हुआ है ना सर, टी वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इज कम्प्लीट बट नॉट सफिशियंट, लेकिन हमको लगता है कि एक्स वन प्लस एक्स टू सफिशियंट होना चाहिए। ओके तुम्हें लग रहा है ये सफिशियंट होना चाहिए, तो सफिशियंट का डेफिनेशन यूज करके देखो, डेफिनेशन या फिर जो फैक्टराइजेशन थ्योरम वो इफ एंड ओनली इफ देता है ना। हाँ तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा के देख लेते हैं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो उसमें तुम यूज करके देखो ऐसे लिख पाओगे क्या, तब तो पता चलेगा, तो नहीं लिख सकते, देखो मैं ट्राई करता हूँ। जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है वो इफ एंड ओनली देता है, सो हम उस पर ट्राई कर लेते हैं। सो एल थीटा वी हैव प्रोडक्ट आई फ्रॉम वन टू एन, ऐसे यहाँ जो इन्होंने एग्जांपल लिया था वो चार तक के लिए लिया था, मैंने एन कर दिया कोई बात नहीं, तो एन यहाँ टू नहीं है, एन मोर देन टू मैं कंसिडर करूंगा, सो यहाँ मैंने
जो वहाँ एक अपन उन्होंने लिया है, सो एन इज मोर देन टू, और लेट मी से वहाँ पे उन्होंने फोर कर दिया, तो एन इज मोर देन फोर ले लो एक बार. सो फैक्टराइजेशन थ्योरम से तुम इसको ब्रेक करके देखो, क्या तुम उससे लिख, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है वो, तो इसमें क्या होगा, वही होगा 1/√2π e^2 -1/2 है ना, एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर. क्या होगा, इसको ब्रेक करो, 1/√2π n, फिर वैसे ही e^2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, समेसन माइनस हाफ बाहर, समेसन एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n. ठीक है, अब इसको तुम ब्रेक करके देखो, हम क्या प्रोसेस करते हैं, जी ऑफ थीटा कॉमा टी, यही ना, और एच ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन. हाँ बताओ, सो व्हाट इज योर जी, थीटा के साथ टी का टर्म कौन सा साथ टर्म आएगा साथ में, इफ यू ओपन इट, इसको ओपन करो. हाँ ओपन करने पे इसको ओपन करो, आएगा टू माइनस टू समेशन ऑफ एक्स आई थीटा. तो हमें वो टर्म लेना है जिसमें थीटा और टी साथ, मतलब थीटा को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब अलोन नहीं होगा. सो 1/√2π n है, ई रेस्ट पावर पे तुम्हारा आएगा माइनस हाफ, एक तो आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर जैसे वो था समेसन में, तो ये अकेला होगा, मतलब माइनस हाफ समेसन एक्स आई स्क्वायर, एक होगा ई रेस्ट पावर माइनस हाफ, और तुम्हारा होगा एन थीटा स्क्वायर, और जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म विल बी क्या, ई रेस्ट पावर क्या होगा, माइनस हाफ थीटा समेसन, मैं स्क्वायर को ओपन कर रहा हूँ भाई, इट्स अ पावर माइनस समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, यही हुआ ना, तो ये वो टर्म है जहाँ थीटा एक्स आई साथ है, है ना, तो लाइक तुम एच मतलब इसको तुम्हें एक साथ रखना पड़ेगा और इसको एक साथ रखना पड़ेगा. हम क्या करते हैं, हमें देखना होता है एच में ऐसा फंक्शन जिसमें थीटा ना हो, एच ऐसा फंक्शन है, तो ये थीटा नहीं है इसमें, तो ये चले जाते हैं इसको, और दूसरा होगा जिसमें थीटा हो, तो थीटा वाले जिस मतलब थीटा के साथ जो भी एक्स आई इन्वॉल्व है, अगर तुम उसको अलग नहीं कर पा रहे हो तो वो सफिशियंट है. तो यहाँ देखो, ये इस समेसन एक्स आई हमेशा थीटा के साथ रहेगा ना, कभी अलग नहीं हो सकता, मतलब इसका मतलब ये है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा कॉमा टी, तो टी यहाँ से क्या मिला, समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, तो तुम एक्स बार के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज सफिशियंट. तो कैसे बोल सकते हो एक्स वन प्लस एक्स टू भी सफिशियंट होगा, ये एन तक की बात कर रहा है. छोड़ दे रहे हैं, हो सकता है उसमें थीटा का इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकता है, क्योंकि वो तुम तब यहाँ बोल पाओगे जब ऐसा कभी हो कि e की पावर माइनस थीटा एक्स वन प्लस एक्स टू तुम अलग कर दो, और मतलब वो actually, हो और बाकी सिर्फ एक्चुअली मैं कंसिस्टेंसी के डेफिनेशन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी का होता है, ट्राई कर लेना, तो कंसिस्टेंट तो हो सकता है ना सर x1 plus x2, तो उसके लिए फिर जाना पड़ेगा डेफिनेशन से, उसका मीन और वेरिएंस से देखना पड़ेगा, x1 plus x2 by 2 करके, हां वो तो उसका मीन थीटा आ जाएगा, वेरिएंस तुम्हारा उसके हिसाब से, हां चेक कर लो क्या आता है, वेरिएंस 0 पे जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ये फिर फेल हो रहा है वो डेफिनेशन. एक्चुअली कंसिस्टेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि कंसिस्टेंट वाला जो थ्योरम है ना वो सिर्फ वन वे है, तो हम गलती से टू वे यूज कर लेते हैं, तो वो मुझे भी उसका आंसर ढूंढना है अभी, मैं आज मतलब अभी बताऊंगा कुछ क्लासेस में ढूंढ रहा था, तो उसका एक्चुअली क्या है, जब वो होल्ड नहीं करेगा तो क्या होगा, लाइक मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमने कंसिस्टेंसी के लिए थ्योरम देखा था कि जो हमारा थ्योरम था रिजल्ट कि लाइक टी है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कन्वर्जेस टू थीटा है ना एज इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड था वेरिएंस ऑफ, सो लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ टी है ना, सो वेरिएंस ऑफ टी विल कन्वर्ज टू जीरो.
है ना, दिस विल कन्वर्ज टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ऐसा होता है, इफ दिस हैपेंस देन, तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ नहीं है, मतलब सिर्फ वन वे है, टू वे नहीं है, तुम पीछे से आगे नहीं आ सकते ना, लाइक सो देन पी इज कंसिस्टेंट, सो दिस इज ओनली, है ना, पी इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा, कंसिस्टेंट ऑफ थीटा, सो ये वन वे है, लाइक अगर ये होल्ड नहीं करता है तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये प्रॉब्लम है, तो ये फिर डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, तो उसको फिर तुम्हें डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा। यहाँ भी वेरिएंस आप फाइंड करोगे x1 plus x2 upon 2 का, तो क्या आ रहा है, 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 4 आ रहा है, क्योंकि 1 by 2 है, हाँ, तो 1 by 2 is not converging, so ये theorem fail हो गया, yes. तो फेल हो गया, तो अब तुम्हें डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, तो बट डेफिनेशन से क्या होता है, हम वहाँ अगर चेक करना चाहे, सो x1 plus x2 upon 2 will converge in probability to what, so ये देख चेक करना पड़ेगा। So, अगर ये कन्वर्स करता है थीटा पे तो आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट, है ना, ये चीज है, तो वो आपको अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि x1 plus x2 upon 2 का पीडीएफ निकाला जा सकता है, तो इसको चेक करना, वेरीफाई करना, क्या ऐसा हो रहा है ना, तो अगर यस तो कंसिस्टेंट, नो तो नो कंसिस्टेंट, है ना, ये एक भी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ होता है, डेफिनेशन टू वे होता है ना, सो ये डेफिनेशन था उसका कंसिस्टेंसी का। So converges in distribution in probability to theta, then yes to consistent, no to not consistent, ये चीज़ है, ये चीज़। Anyway, इस पर डिस्कस करेंगे डाउट्स में भी आगे, इसका मुझे ढूंढना भी है और तरीके क्या हो सकता है, अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। सो कंप्लीटर्स में क्वेश्चन करेंगे आज जैम का, उससे पहले ये दो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा देता हूँ मैं, इट इज राव ब्लैकवेल थ्योरम एंड ओके सो इसका थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो जैसे क्या है हमारे पास, अच्छा ये एक्चुअली साहू वाली बुक में नहीं, तो मैं रोहतगी से लिखा रहा हूँ स्टेटमेंट जो है उसमें है, चैप्टर 8 है उसमें, तो मैं डिस्कस करूँगा अभी इसके बाद एक बार रोहतगी या कैसेलावर पर रिवाइज करेंगे, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, उसमें बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया। सो लाइक लेट कोई डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक एफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, ठीक है, ओमेगा थीटा है, या बुक में तुम देखोगे तो ये लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज बड़ा थीटा है ना, बिग थीटा, इसका मतलब वो कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा या रेंज ऑफ थीटा, कलेक्शन ऑफ रेंज ऑफ थीटा, ठीक है, पैरामीटर स्पेस बोलते हैं इसको। सो दिस बी अ फैमिली ऑफ या तुम ऐसे लिख सकते हैं x1 x2 x1 x2 xn ना, इस तरह xn भी द रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, वैसे भी या जैसे ये स्टेटमेंट लिखा वैसे लिख देता हूं, दिस बी अ फैमिली ऑफ cdfs एंड मान लो थीटा कैप जो है एस्टिमेटर है, हम t से भी लिखते हैं, तो यहां एक्चुअली t की भी जरूरत है, दो एस्टिमेटर की जरूरत है यहां पे, तो एक को मैं थीटा कैप ले रहा हूं, एक को t लूंगा, सो थीटा कैप बी एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, थीटा कैप बी एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, टी और टी डैश लीजिए, टी और टी डैश लीजिए एस्टिमेटर, हाँ ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मतलब तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसे अपने आप को ट्रेन किया है, तो उसके हिसाब से मैं लिखता हूँ, तुम चेंज कर सकते हो पैरामीटर, में एच लिखता है, मतलब उसमें तुम बुक में स्टूडेंट पढ़ो, एच लिखता है थीटा कैप, तो उसकी चॉइस है, एच और टी यूज किया है, तो मर्जी है तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे, तो थीटा कैप बी एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, बी एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, है ना। सो इस लाइन के बजाय, फर्स्ट लाइन के बजाय तुम ये भी लिख सकते हो, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी द, है ना, रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस पीडीएफ एफ एक्स थीटा, जैसे हम लिखते आए, बात वही है, क्योंकि अपना उनका नोटेशन है, लिखने का तरीका है, थीटा कैप बी एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा विथ, ये बता रखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जो थीटा कैप है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, मतलब फंक्शन ऑफ x1 x2 x है, लाइक x बार हो सकता है इस तरह से, सो इसका जो मीन होगा दैट मस्ट बी फाइनाइट, सो क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो एक देखो तुम्हारे पास रैंडम सैंपल है और एक एस्टिमेटर तुम्हें पता है जो कि अनबायस्ड है, ठीक है, अब एक दूसरा एस्टिमेटर है जो कि सफिशियंट है, लेट t
टी ठीक है बी अ सफिशियंट एस्टिमेटर, लेट टी बी अ सफिशियंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है। सो टी जो है सफिशियंट एस्टिमेटर है थीटा का, तो क्वेश्चन ये है देन, तो इसका कंक्लूजन क्या है? एक्चुअली ये थ्योरम कहना क्या चाहता है, एक्चुअली ये एक बेटर एस्टिमेटर ढूंढ रहा है। बेटर एस्टिमेटर का मतलब हुआ, हमने एक वर्ड पढ़ा था इफिशियंट, है ना, रिलेटिवली इफिशियंट, कि T1 will be relatively efficient than T2 if variance of T1 is less than variance of T2. तो इसका यही कोशिश है कि लाइक थीटा कैप एक अनवायस एस्टिमेटर है, अब थीटा कैप को हम इम्प्रूव करके क्या कोई दूसरा एस्टिमेटर बना सकते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ थीटा कैप एंड सफिशियंट, सो दैट उसका वेरियंस जो है थीटा कैप से कम हो जाए। तो ये कहना चाह रहा है कि आप एक नया एस्टिमेटर लो जिसका नाम मैं टी स्टार दे रहा हूँ, ठीक है। टी स्टार एक थर्ड एस्टिमेटर आ गया, तो एक एस्टिमेटर है थीटा कैप जो कि अनबायस्ड है, एक है टी जो कि सफिशियंट है, अब एक थर्ड एस्टिमेटर है टी स्टार। सो टी स्टार एक्चुअली क्या है, टी स्टार इन्होंने डिफाइन किया है, मतलब उनका रिजल्ट है। सो यू कंसिडर टी स्टार एज एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप गिवन टी, थीटा कैप गिवन टी, थीटा कैप क्या है, एक एस्टिमेटर ही है, तो ये कुछ x1 x2 xn के टर्म्स में कुछ होगा, है ना, जैसे x बार एक एग्जांपल तौर पर सोच सकते हैं कि ऐसा होगा। सो एक तो पहली बात तुम्हें ये डिसाइड करना है कि टी स्टार क्या एक एस्टिमेटर होगा, तो एस्टिमेटर एक स्टैटिस्टिक्स होता है ना, जो एस्टिमेटर है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, कि डेफिनेशन कहती है कि वो दैट मस्ट नॉट कंटेन पैरामीटर। तो क्या टी स्टार में कहीं पैरामीटर आएगा तुम्हें लगता है? नहीं। क्यों नहीं आएगा, मतलब क्या, क्योंकि हम लोग सैंपल से सैंपल का ही फंक्शन है। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, हमने ये टी क्या है हमारा, सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स है ना, और सफिशियंट की अगर तुम डेफिनेशन याद करो, सफिशियंट की डेफिनेशन क्या थी, किसी को याद है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफिशियंट, डेफिनेशन नॉट फैक्टराइजेशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। हाँ, तो ये गारंटी कर रहा है कि टी स्टार में थीटा नहीं होगा, क्योंकि वो ये टी जो है सफिशियंट है, तो इसीलिए कि जो एक्सपेक्टेशन तुम फाइंड कर रहे हो, क्योंकि थीटा कैप के जो थीटा कैप जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइक मीन निकाल रहे हैं ना, तो मीन हो सकता है थीटा के टर्म में आ जाए, लेकिन ठीक है टी स्टार जो होगा, तो टी स्टार हमारा न्यू एस्टिमेटर है जो कि एक्चुअली दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, पहले तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा बिकॉज टी इज सफिशियंट, सो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा पहली बात। एंड दूसरी बात ये है कि मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्टार, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा होगा थीटा कैप, थीटा कैप, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था आपको याद होगा, e of x गिवन y क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना, हाँ, तो ये यहाँ यूज कर सकते हो। सो मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ से कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्टार, तो टी स्टार की जगह रखो e ऑफ थीटा कैप गिवन टी, तो टी स्टार को तुम रिप्लेस करोगे e ऑफ थीटा कैप गिवन टी, सो हो जाएगा e ऑफ थीटा कैप गिवन टी, सो फाइनली तुम्हें ये दे देगा e ऑफ थीटा कैप, और हमने क्या अज्यूम किया है, थीटा कैप क्या है, अनबायस एस्टिमेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थीटा आ गया, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि टी स्टार भी एक अनबायस एस्टिमेटर है, मतलब हमने जो नया एस्टिमेटर कंस्ट्रक्ट किया है वो भी एक अनबायस एस्टिमेटर है, ठीक है। और तुम्हें याद होगा जब हम इफिशियंसी डिस्कस कर रहे थे, रिलेटिव इफिशियंसी, तो हम दोनों को अनबायस कंसीडर कर रहे थे कि T1 एंड T2 आर टू अनबायस एस्टिमेटर, देन T1 इज सेट टू बी इफ रिलेटिवली इफिशियंट देन T2 इफ वेरियंस ऑफ T1 इज लेस देन वेरियंस ऑफ T2, तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक मेरे पास थीटा कैप है जो कि अनबायस्ड है और टी सफिशियंट था, तो टी और थीटा कैप के हेल्प से हमने एक तीसरा एस्टिमेटर कंस्ट्रक्ट किया जो कि अनबायस्ड है, तो अब मैं थीटा कैप और टी स्टार को कंपेयर कर सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू इफिशियंसी, तो मुझे वही करना है एक्चुअली, तो इस थ्योरम का रिजल्ट भी वही है, तो वो ये कहना चाहता है कि टी स्टार इज रिलेटिवली इफिशियंट देन थीटा कैप, तो ये इसका कंक्लूजन है इस थ्योरम का, कि कंक्लूजन क्या है,
दिस एक तो हुआ कि इंडिपेंडेंट थीटा का, और ईस्ट ई ऑफ जो टी स्टार है दैट इज अनबायस एस्टिमेटर है। तो आगे जो इसका मेन कंक्लूजन है वो ये है, मोर ओवर जो टी स्टार है, ठीक है, टी स्टार इज रिलेटिवली इफिशियंट देन देन थीटा कैप, क्योंकि टी स्टार और थीटा कैप दोनों अनबायस एस्टिमेटर था। अब ये बता रहा है, मतलब इसको दूसरे वर्ड में तुम देखोगे तो बुक में इसको ऐसे लिखता है कि दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्टार माइनस थीटा होल स्क्वायर। तो ये वेरिएंस के डेफिनेशन में यूज कर रहा हूँ, दिस इज लेस देन इक्वल टू ई ऑफ थीटा कैप माइनस थीटा, दोनों अनबायस एस्टिमेटर है। तो पता है ये थीटा कुछ और नहीं है ई ऑफ टी स्टार है, ये थीटा कुछ और नहीं ई ऑफ थीटा कैप है। तो ऐसा लिखा होगा बुक में इसका स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है, अच्छा ये थ्योरम डायरेक्टली यूज होता है लेमेंसफी थ्योरम में, इसीलिए इसको है ना, मतलब ये पहले प्रूफ हुआ था फिर इसको यूज करके लेमेंसफी थ्योरम प्रूफ किया जाता है, प्रूफ देखोगे इससे आता है, तो इसका डायरेक्टली यूज होता है उसमें। और जबकि मजे की बात क्या, लेमेंसफी थ्योरम क्या कहता है, इससे एक स्टेप आगे जाता है, वो कहता है कि टी स्टार इज अ यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबायस एस्टिमेटर इफ टी इज कंप्लीट ऑल्सो। तो बस लेमेंसफी थ्योरम में एक लाइन और ऐड हो जाता है कि तुमने टी को सफिशियंट कंसिडर किया है, अब टी को सफिशियंट के साथ साथ तुम कंप्लीट भी कंसिडर कर लो। सो व्हाट यू डू, तो कहा जाता है कि लेमेंसफी थ्योरम यूएमवीयू निकालने के लिए सबसे बेस्ट, मतलब अभी तक माना गया कि ये निकाला गया, मतलब कि ये बेस्ट रिसर्च हुआ है अच्छा जैसे। हाँ मतलब काफी इफिशिएंट और बहुत आसानी से निकल गया, हेल्पफुल रहा, मतलब कि इसके आने के बाद मतलब थोड़ा यूएमवीयू निकालना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। हाँ अभी क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि वो मतलब बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ भी यही है जो लेमेंसफी थ्योरम है वही यही कह रहा है, तभी मैं वही बता रहा हूँ, कभी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा इसका। तो उसमें क्या कहता है कि बस टी यहाँ तुमने सिर्फ सफिशियंट कंसिडर किया है, इफ यू कंसिडर टी एज सफिशियंट एंड कंप्लीट बोथ देन टी स्टार इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो वो लेमेंसफी थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो मैं वो लिखता हूँ, ठीक है यहाँ तक, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास थीटा कैप एक अनबायस एस्टिमेटर था और टी सफिशियंट है, तो थीटा कैप गिवन टी का एक्सपेक्टेशन लिया हमने, उसका नाम दिया टी स्टार, एंड दैट टी स्टार इज अनबायस एस्टिमेटर। सो टी स्टार एक तीसरा एस्टिमेटर है जो कि अनबायस्ड है, तो बोलना चाह रहा है कि टी स्टार इज रिलेटिवली इफिशियंट देन थीटा कैप, मतलब वेरियंस कम होगा, है ना, वेरियंस कम करना चाह रहा है। यूएमवीयू में क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड, तो हमें चाहिए मिनिमम वेरियंस वाली एस्टिमेटर। तो अगर टी के जगह टी को हम सफिशियंट एंड कंप्लीट लेते हैं तो टी स्टार ही यूएमवीयू हो जाता है। तो मैं लेमेंसफी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं, ऐसा हो सकता है सर कि जो लेमेंसफी थ्योरम से कोई कंप्लीट मतलब जो भी कंप्लीट सफिशियंट स्टैटिस्टिक मिला है अगर उसका यूज करें राव ब्लैकवेल थ्योरम से अगर प्रूफ करना चाहे तो हो जाएगा, हो सकता है। तो कंप्लीटनेस ऐड करना पड़ेगा कंडीशन, क्योंकि यहां सिर्फ सफिशिएंसी है, टी सिर्फ सफिशिएंट है ना, अगर कंप्लीटनेस ऐड करोगे तो सर इसे कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक बोल रहा हूं ना, तो मतलब सफिशिएंट होगा ही, और इसमें केवल सफिशिएंट का ही कंडीशन है। हाँ तो वही किया गया, उसने जो जो ये लेमेंसफी जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने यही किया है कि ऐड करके उन्होंने प्रूफ कर दिया। तो ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो एक तो मैं बुक के टर्म में लिख दूंगा, तो वो भी यही लिखते हैं कि लाइक सर राव ब्लैकवेल थ्योरम का मतलब यूज कैसे करें ये नहीं पता चलता है। हाँ वो ब्लैकवेल राव ब्लैकवेलाइजेशन उसको यूज करते हैं, क्वेश्चन जैम में आया था, बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको यूज करना, लेमेंसफी यूज करना बहुत आसान है, इसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो मुझे सीधा समझ आता है कि एक दो क्वेश्चन कंपाउंड ट्राई करेंगे करके देखेंगे। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ दिस, सो लाइक इफ टी इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टेटस, अब मैं कंप्लीट सफिशिएंट दोनों ले रहा हूं, ठीक है, टी इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, so if t is complete sufficient statistics, okay, so t जो है complete भी है sufficient भी है, and मतलब पहले मैं रोहित की क्या स्टेटमेंट लिखता हूँ जो उसने लिखा है, फिर मैं थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में जो मुझे
समझ आता है इजिली वो मैं लिखूंगा। तभी जो बुक का स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ। सो इफ टी इज अ कंप्लीट सरफेस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा कैप एंड देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। So if T is complete sufficient statistics and there exists, ठीक है, तुम्हारे पास एक complete sufficient statistics already है and तुम्हारे पास एक unbiased estimator already है theta cap of theta, ठीक है। So दो estimator, वहां भी दोनों की जरूरत थी, वहां तुम्हें एक unbiased की और एक sufficient की जरूरत थी, यहाँ वही sufficient complete है और एक unbiased है। So बोल रहा है कि then, तो कह रहा है कि then there exists a unique, तो यूनिक होगा ये। सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, एंड व्हिच इज नथिंग बट व्हिच इज, या ऐसे लिख दूंगा इसको थोड़ा ठीक करके, then बोला चला है कि then जो t star था हमारे पास, t star क्या था, expectation of theta cap given t, so वहां t was sufficient है, यहां completely sufficient है, so this is a unique uniformly minimum variance unbiased estimator of theta, ठीक है जी। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्टार जो है वो थीटा आता है। तो अगर मैं ऐसे तुम समझना चाहो तो क्या है कि टी कंप्लीट है, सफिशिएंट भी है, और टी का एक फंक्शन इन्होंने लिया है लाइक इन टर्म्स ऑफ थीटा कैप, मतलब थीटा कैप और टी को हेल्प से एक नया एस्टिमेटर बनाया, और जो कि क्या हो रहा है अनबायस्ड भी है। तो टी स्टार तुम देखोगे तो वो अनबायस्ड है, इसीलिए या दूसरे टर्म में लिख देता हूँ तो ये थोड़ा समझने में वैसा है उसके साथ लगता है मुझे। दूसरे टर्म में लिखता हूं मैं, दैट इज इफ पी इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ थीटा या एनी फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। सो देन फंक्शन ऑफ पी, यू टेक एनी फंक्शन, ठीक है, मैं जीटी बोल रहा हूं, GT is uniformly minimum variance unbiased estimator of its expected value, या of मैं सीधा लेता हूँ E of GT। ज्यादातर क्वेश्चन में इसी से सॉल्व करूंगा, मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन ऑफ T ले लो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं T ही ले लेता हूँ। अब बताओ अगर ऐसा हुआ T unbiased है, सोचो, तो अगर t अनबायस्ड है तो t का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द मीन ऑफ t, देन t इज यूनिफॉर्मली मिनिमम अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, और अगर t अनबायस्ड हुआ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या हो जाएगा, थीटा। सो मेरा मतलब यह है कि t कंप्लीट भी है, सफिशिएंट भी है, और अगर अनबायस्ड भी है तो वो t जो होगा वो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा के, तीनों है तो उसको मैं जनरलाइज कर दिया, जो स्टेटमेंट जनरलाइज है कि एनी फंक्शन ऑफ t यू टेक एनी फंक्शन, so that will be uniformly minimum variance unbiased estimator of its expected value, so of its expected value मतलब जो भी तुमने function लिया है उसका mean जो भी आएगा उस parameter के लिए, क्योंकि expectation of gt जब find करोगे so that will involve parameter obviously, क्योंकि t का distribution जो होगा है ना उसमें theta involve होगा, so ऐसा है, ठीक है जी। सो लाइक इन पर्टिकुलर अगर मैं लिखूं रिमार्क में है ना, इन पर्टिकुलर अगर ऐसा होता है कि टी कंप्लीट सफिशिएंट दोनों है ना, कंप्लीट है और सफिशिएंट है और अनबायस्ड भी है, तो अगर तीनों हो गया तो इसका मतलब टी यूएमवी भी है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। इसमें किसी को डाउट हो रहा है तो बताओ, अभी तक जो हमने जो थ्योरम लिखे हैं इसमें किसी को डाउट हो रहा है, कुछ पूछना हो, स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो तो बताओ।
चलिए ना, बच्चों को वीडियो रिकॉर्डिंग देने से ना तो क्लास वाइन नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग वाइन सर एक बार लास्ट वाला दिखता ना। टी कंप्लीट है, सफिशियंट है और अनबायस्ड है, तीनों है, तो वो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा थीटा के लिए, और जनरल भी है। जैसे एग्जाम में पूछ लेता है थीटा स्क्वायर का यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर बताओ, तो हमें फिर टी के टर्म में, टी तुम्हारे पास कंप्लीट सफिशियंट है, तो तुम्हें टी के टर्म में एक ऐसा स्टैटिस्टिक ढूंढना होता है जिसका मीन लेने पे थीटा स्क्वायर आ जाए। जैसे कहीं पूछ लेता है कि थीटा क्यूब अपॉन वन माइनस थीटा का यू एम वी बताओ, तो हमें फिर से वही बात है कि टी के टर्म में मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका मीन लेने पे वो पैरामीटर आ जाए जिसका तुमसे यू एम वी पूछा गया है। मान लीजिए सर कि जो ऑप्शन में दिया हो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेक्टेशन निकालने का, तो कैसे होगा? नहीं नहीं, इस तरह से होगा कि तुम कर पाओगे। जैसे इसका सबसे, जैसे अभी 2021 में क्वेश्चन था, उससे पहले पहले सर बाद में क्वेश्चन बाद में करेंगे। अभी करते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेशन मोस्टली खत्म हो जाएगा, फिर इंटरवल एस्टिमेशन बचेगा, तो वो भी एक क्लास की चीज है, उसमें पर्टिकुलर चीजें पढ़नी है, मतलब उसमें इंटरवल एस्टिमेशन में बहुत कुछ नहीं करना है, इसमें पर्टिकुलराइज कर रखा है कि तुम्हें किसका करना है। सो लाइक इफ यू सी, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है अभी थ्योरेटिकली, इफ यू सी तो ये हो गया है कंप्लीट, और इसमें क्या बोला है तुम्हें, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है जानना है, उसके बाद व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड फॉर द पैरामीटर ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करना है, सबका नहीं, ठीक है? सो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ यूनिवेरिएट नॉर्मल का फाइंड करना है, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल है उसका फाइंड करना है, एक्सपोनेंशियल का फाइंड करना है, ये नहीं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन का हम वो करेंगे, हमें क्या करना है सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, ये नेक्स्ट क्लास में बता रहा हूँ, मतलब ये जो आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटरवल एस्टिमेशन जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसमें है ना 1000 क्वेश्चन करने की मतलब वो जरूरत है 1000 डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्फिडेंस इंटरवल पैरामीटर को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें मेनली देखना है यूनिवेरिएट नॉर्मल में जो पैरामीटर्स हैं, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल में जो पैरामीटर्स आएंगे, और एक्सपोनेंशियल में, बस यही तीन ही करना है तुम्हें, इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी पैरामीटर है उसका एस्टिमेशन फाइंड करना है, इंटरवल एस्टिमेशन या कॉन्फिडेंस इंटरवल। सर टू इंडिपेंडेंट मतलब बाय वेरिएट ना? हाँ हाँ, तो ये आगे की चीज है, पहले इसमें जो क्वेश्चन अभी करेंगे पीबीएस वाला जैम का, इसमें से अभी इतना हमने कवर किया है, तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद उसका आएंगे। सर बाय वेरिएट में तो डिपेंडेंट हो जाता है ना? हाँ, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट कंसीडर करके तुम्हें उसका फाइंड करना है, वो इसमें उन्होंने दे दिया है कि यू हैव टू फाइंड ना फॉर सर, वैसे आता है ना कि वो मान लीजिए क्या बोलते हैं x1 + x2 का निकालना हो अनबायस्ड, मतलब इंटरवल एस्टिमेशन, तुम्हें यहां सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए कंसीडर करना है, बड़े बोला उसमें भी वही करना होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के पिवोटल पॉइंट। ओके ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करते हैं, तो उस पर आएंगे अगले क्लास में। अभी क्या है हमारे पास, पॉइजन लैम्डा है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा, सो लाइक बताओ तुम लोग ट्राई करके देखो, जो थ्योरम अभी लिखा है हमने उससे कोशिश करके देखो, जैसे मान लो समेशन एक्स आई, याद है? हाँ, मतलब तो जिन लोगों ने किया पहले उनको याद ही होगा ना, इस तरह से इस तरह से ऑप्शन बना सकते हैं एग्जाम में कुछ भी, है ना, उस तरह से कुछ। सो क्या है ना हमारे पास, क्या है हमारे पास रैंडम सैंपल है पॉइजन लैम्डा से, ठीक है, आईआईडी है, और तो सबसे पहले क्या करोगे, जब यूएमवी पूछ रहा है सो तुम सबसे पहले कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करोगे, तो उसके लिए तुम एक्सपोनेंशियल फैमिली पे इसके पीडीएफ को लिखोगे, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसे ही तुम दो तीन बार क्वेश्चन देख लोगे तो ऐसे ही तुम्हें दिख जाएगा कि क्या है लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, है ना, तो एक्स का फंक्शन अलग, लैम्डा का फंक्शन अलग, और एक ऐसा है जहां लैम्डा और एक्स दोनों है, तो इसको तुम्हें उस पर ब्रेक करना है, तो ये वन बाई एक्स फैक्टोरियल अलग कर लो,
और e की पावर माइनस लैम्बडा अलग, मेनली हमें इसमें इंटरेस्ट होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये हो जाएगा x log लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ लैम्बडा एंड दिस इज फंक्शन ऑफ x, तो जो हम t लिखते थे t इज यहाँ x आ गया, ठीक है। कैपिटल में लिख रहा हूँ तो मैं स्मॉल में लिख सकती हूँ, सो दैट फंक्शन इज, जिसको हम अब फॉर्म देखोगे तो इस तरह फॉर्म होता है ना, एच एक्स जी लैम्बडा हो गया, एक होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ लाइक टी एक्स डब्ल्यू, वो पैरामीटर जो भी है, ए भी फॉर्म एक्सपोनेंशियल का है, दूसरा फॉर्म भी, तुम्हें वो याद है सो वो लगा लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई भी फॉर्म में लिख लो। मेनली हमारा इंटरेस्ट उन टर्म्स में है जहां पैरामीटर और एक्स प्रोडक्ट में है, है ना, जैसे ये ओनली फंक्शन ऑफ एक्स है और यहाँ ओनली फंक्शन ऑफ लैम्बडा है, तो हमारे इस टर्म में हमें इंटरेस्ट है। तो तुम अगर वैसे नहीं लिखते जैसे मैं, अगर वैसे या तो ऐसे लिख लो या दूसरे तरीके से, जैसे मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ, फिर इसको लिखते तुम लॉग वन बाई एक्स फैक्टोरियल प्लस फिर लॉग ऑफ ई रेस टू माइनस लैम्बडा, जो कि आ जाएगा माइनस लैम्बडा, और नेक्स्ट मतलब इसको लिख रहा हूँ दूसरे तरह से, एक तरीके से वो लिखा था और आ जाता प्लस क्या होगा एक्स लॉग लैम्बडा, है ना, इस तरीके से। तो जैसे भी तुमने प्रैक्टिस करके समझ आ गया होगा, ऐसे जिन लोगों को नहीं आया तो पूछोगे। सो ठीक है यहाँ तक, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ हमें इस टर्म में इंटरेस्ट है जहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये ओनली एक्स का फंक्शन है, ये ओनली लैम्बडा का फंक्शन है, यहाँ एक्स लैम्बडा दोनों है, तो हमें वही टर्म देखना होता है कि जहाँ लैम्बडा और प्रोडक्ट है ना। तो दिस इज समथिंग लाइक कोई भी एक फंक्शन ले लो, एफ वन ले लो ओनली एक्स में है, एफ टू ले लो जो कि लैम्बडा में है, और यहाँ क्या है कि टी एक्स डब्ल्यू लैम्बडा, इस तरह से है। तो टी क्या है, वो टी देखना है तुम्हें, तो टी एक्स इज एक्स, तो हमारा हमें जो थ्योरम पता है कि वो है टी एक्स आई, कैपिटल एक्स आई, आई फ्रॉम वन टू एन, दिस इज अब कम सफिशियंट तो होता है कंप्लीट कर, बस ये चेक कर लेना कि यहाँ पे क्या है कि लैम्बडा की वैल्यू क्या थी, लैम्बडा इज मोर देन जीरो, ये देते ना हम लोग, सो लैम्बडा जो है वो जीरो टू इन्फिनिटी में है, तो ये पैरामीटर स्पेस हो गया, जिसको हम ओमेगा थीटा बोलते हैं ना, या ओमेगा वो बोलते हैं, या बिग थीटा जिसको उसमें लिखा जाता है। सो ये है तुम्हारा पैरामीटर स्पेस हो गया, तो ये ओपन इंटरवल कंटेन कर रहा है, तो इसीलिए ये कंप्लीट सफिशिएंट। हाँ जी, जो एक्सपोनेंशियल फैमिली जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है वो कंप्लीट सफिशिएंट होता है ना हमेशा, उसके लिए कंडीशन था ना कि पैरामीटर स्पेस मस्ट कंटेन ओपन इंटरवल, तब कंप्लीट होगा सफिशिएंट। हां ओपन इंटरवल होता है, मतलब एक पैरामीटर है तो ओपन इंटरवल कंटेन करना चाहिए, दो पैरामीटर है तो वो एक बॉल कंटेन करना चाहिए, मतलब ओपन सेट इन आर स्क्वायर, फिर तीन पैरामीटर है तो ओपन सेट इन आर क्यूब। सो इस तरह जैसे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ थीटा थीटा स्क्वायर था, वहाँ दो पैरामीटर है तो वहाँ वो आर स्क्वायर का सबसेट होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल थीटा थीटा स्क्वायर कंप्लीट नहीं देता है, क्योंकि आर स्क्वायर का ओपन सेट नहीं है वो, उसके पास ओपन सबसेट कंटेन नहीं करता है वो, या ओपन सेट कंटेन नहीं करता है। अच्छा अभी सब क्वेश्चन बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, हाँ ओपन सेट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तुम रियालिसिस में एक टॉपिक आता है टोपोलॉजी पार्ट आता है, तो रियालिसिस में क्या होता है कि कोई सेट है उसको ओपन सेट बोलेंगे अगर दैट कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ इट्स इंटीरियर, मतलब अलग अलग डेफिनेशन है, एक तो इंटीरियर है, या दूसरा होता है कि मतलब इट कंटेन्स इट्स नेबरहुड, लाइक अलग अलग डेफिनेशन, मतलब मोस्टली आर के टर्म में क्या है कि ऐसा हो, मतलब एक मेन डेफिनेशन यही है कि कंटेन्स ऑल इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, तो ओपन सेट होता है वो, जैसे फाइनाइट सेट ओपन सेट नहीं होता है, जैसे वन टू इस तरह से है, मतलब टेन तक ले लिया, सो दिस इज नॉट ओपन सेट। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आर की मतलब इससे इससे बना हुआ मतलब 10 प्लस 2 ये इसमें मतलब कि बिलोंग नहीं करता, इसलिए नहीं है। तो आर में ओनली ओपन सेट जो होता है, आर में क्या होता है उसके लिए मुझे तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना पड़ेगा, बट मुझे याद है मतलब एक रिजल्ट है, ओनली इंटरवल्स आर ओपन सेट इन आर, ओपन सेट इन आर बोल रहा हूँ, नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कुछ और हो गया, आर मतलब नंबर लाइन, आर स्क्वायर मतलब स्पेस, स्पेस मतलब सॉरी स्पेस मतलब एक्स वाई प्लेन, आर स्क्वायर इज एक्स वाई प्लेन, आर क्यूब स्पेस, हाँ टू डी आर क्यूब, तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि लाइक नंबर लाइन का एक कंटिन्यूअस पार्ट तुम्हें वो करना है, कट करना है कंटिन्यूअस पार्ट लाइक, तो इस तरह से
इंटरवल्स होते हैं, ओनली इंटरवल्स आर ओपन सेट इन आर। इसका थोड़ा डेफिनेशन तुम्हें सर्च करना पड़ेगा या मुझे अगर बताना है तो मुझे पहले एक बार ढंग से पढ़ना पड़ेगा तो मैं शायद अच्छे से बता पाऊंगा। सर आपने जो पीडीएफ भेजी थी ना वहां पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उन्होंने ओपन सेट की कॉन्सेप्ट थोड़ी एक्सप्लेन किए पर वहां से समझ नहीं आई। सर बताया गया जैसे जैसे मैं अगर ये बोलूं कि लाइक जो नॉर्मल थीटा थीटा स्क्वायर है तो इसमें थीटा का रेंज क्या है, 0 to infinity ठीक है ना, मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 to infinity है, जबकि यहाँ दो पैरामीटर है। मतलब ऐसे तुम देखोगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो यहाँ दो पैरामीटर है, तो रूल के हिसाब से जो पैरामीटर स्पेस है इसको मैं अगर बिग थीटा बोल लेता हूँ, सो दिस शुड कंटेन, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसमें इसको एक्सप्लेन किया है थीटा का रेंज माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी हो भाई, यहाँ थीटा स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव कैसे लोगे? हाँ वो तो नहीं लेंगे सर, लेकिन फिर इधर मीन भी तो है। हाँ तो इंटरसेक्शन लेते हैं ना, अगर दो केस है तो उसका इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन पार्ट। सो दिस मस्ट कंटेन ओपन सेट इन आर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि नॉर्मल में दो पैरामीटर होता है ना, तो जितने पैरामीटर है आर की पावर वो होती है, आर के वहां लिखा होगा, के एक्सपोनेंशियल फैमिली इसीलिए बोलते हैं वहां पे, सो नॉर्मल में 2 exponential फैमिली हो गया होगा। सो मस्ट कंटेन ओपन सेट आर स्क्वायर, जबकि ये जो सेट है 0 to infinity this is not open set in R square, yeah does not contain open set in R square, this does not contain open set in R square, R में करता है लेकिन R square में नहीं करता है, तो अब ये मुझे open set पढ़ाना पड़ेगा class में, so does not contain open set in R square। सो ये जो सेट है ये कंटेन नहीं कर रहा ओपन सेट इन आर स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई वी से दैट, इसलिए हम ये बोलते हैं जब तुम करोगे एक्सपोनेंशियल फैमिली पे इसके पीडीएफ को लिखोगे तो तुम्हारा टी आता है समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये हमने कई बार किया भी है पहले, तुम करना इसको, ये आता है तो ये सफिशियंट तो हो जाता है क्योंकि सफिशियंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पैरामीटर स्पेस है दैट डज नॉट कंटेन ओपन सेट इन आर स्क्वायर, तो ये यहां है, या दूसरा उन्होंने और सिंप्लीफाई करके लिखा, अगर तुम ध्यान से वहां देखोगे तो नीचे जाकर उन्होंने कुछ बहुत सारे रिमार्क्स दिए हैं, तो एक रिमार्क्स में ये भी लिखा होगा कि समटाइम्स इफ यू सी इफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ऐसा कहीं हो so that must be not complete, ऐसा लिखा होगा, so उसमें नीचे लिखा है, so I think मुझे उसको एक बार explain और करना चाहिए, मतलब मैं last time सिर्फ definition बताया था but तुम उसके सबसे नीचे PDF पे जाओगे तो उसमें उन्होंने अलग अलग केसेस दिए हैं कि सिग्मा स्क्वायर म्यू, यहाँ क्या केस है, यहाँ म्यू तुम्हारा थीटा है और सिग्मा स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक यहाँ सिग्मा जो है सिग्मा स्क्वायर म्यू स्क्वायर के इक्वल है, नो प्रॉब्लम, ये भी वही केस है, सो उस केस में भी कंप्लीट नहीं होगा। एनीवे अभी तुम्हें ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि व्हाट इज ओपन सेट है ना, हाउ विल आई डिसाइड ओपन सेट, एक्चुअली नंबर देखो ओपन सेट आर में वो होता है उसमें बॉल होता है, बॉल इन द सेंस जैसे नंबर लाइन है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तुम जानते हो ना एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओनली, 3D है तो फिर वो स्फीयर हो जाता है, 3D में ओपन सेट क्या होगा, स्फीयर होगा, सो लाइक इसका तुम अपना इमेजिन करके सोच पाओगे कि रियल लाइन पे सिर्फ इंटरवल है, सेकंड पे एक्स वाई प्लेन में यू हैव टू कंसीडर अ बॉल, एक्स वाई दोनों के रेस्पेक्ट में बढ़ना पड़ेगा तुम्हें, और 3D में स्फीयर होगा इस तरह से, इतना सारा पॉइंट होना चाहिए उस स्फीयर में ही होना चाहिए, या अगर प्लेन है आर स्क्वायर का तो आर स्क्वायर प्लेन में ही एग्जिस्ट करना चाहिए, जो भी सबसेट है लेकिन ओपन सबसेट नहीं है, जैसे यहाँ पे तुम ये 0 to infinity जो है ये सबसेट है आर स्क्वायर का बट ओपन सबसेट नहीं, या दिस डज नॉट कंटेन एनी ओपन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, अगर इनफाइनाइट नहीं होगा वहां पे फाइनाइट हो मतलब 0 टू 5 कर ले तो फाइनाइट सेट आर ऑलवेज क्लोज सेट, फाइनाइट सेट आर नेवर ओपन सेट, कोई टेंशन ही नहीं है, फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज सेट होता है, ओपन सेट नहीं होता है। अच्छा फिर क्लोज सेट क्या है, सेट्स वालों को यहां पंगा आ रहा होगा, व्हाट इज दिस क्लोज सेट,
चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कभी और क्लास में, अभी पहले इसको इस पर्पस को खत्म करते हैं कि UMV कैसे फाइंड करेंगे। मतलब अभी तो स्टार्टिंग में ही कोई बता रही थी कि सर कंप्लीट समझ नहीं आ रहा है, तो शायद हो सकता है ये सब प्रॉब्लम हो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करेंगे एक्चुअली। मुझे भी थोड़ा सीखने का मौका मिलेगा ना ये सब पढ़ा के। ओके अभी पहले इसको करते हैं UMV का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, हमने पॉइजन लैम्डा लिया, पॉइजन लैम्डा से ये मिल गया कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्या होगा, समेशन टी एक्स इज एक्स, सो ये हो जाएगा एक्स आई आई फ्रॉम वन टू एन, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, है ना। सो सी एस एस तुम देखोगे शॉर्ट नोटेशन लोग बुक में यूज कर लेते हैं, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इसको मैं अब नया नाम टी देता हूँ, या कुछ और देना हो तो थीटा कैप यू कैन कुछ और दे सकते हो, मान लो मैं टी दे दिया इसका नाम, है ना, वो टी कुछ और था वहाँ पे, और यहाँ मैं टी एस्टिमेटर ले रहा हूँ। कुछ और भी तुम ले सकते हो इफ यू वांट, थीटा कैप या समथिंग, जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक एस्टिमेटर के तौर पर टी बोल देता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टी मैंने नाम दिया है, क्या अभी तुम्हारा कंप्लीट सफिशिएंट है, और लेविन-स्टफी थ्योरम क्या कहती है कि जो तुमने कंप्लीट फाइंड किया तो उसका एक फंक्शन, मतलब उसके टर्म में कोई एक अनबायस एस्टिमेटर ढूंढ लो जिसका तुम्हें यूएमवी चाहिए। मतलब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो तुम्हें अगर थीटा का यूएमवी चाहिए, मान लो थीटा का यूएमवी चाहिए, तो तुम क्या करो, एक ऐसा स्टैटिस्टिक ढूंढो जिसका एक्सपेक्टेशन थीटा आ जाए इन टर्म्स ऑफ टी। ये चीज़ है सिंपल। अगर तुम्हें थीटा स्क्वायर का यूएमवी चाहिए, तुम एक ऐसा यहाँ पे स्टैटिस्टिक ढूंढ लो जिसका मीन लेने पे थीटा स्क्वायर आ जाता है ना। थीटा क्यूब का चाहिए तो सेम लॉजिक है इस तरीके से। तो यहाँ पे बताओ, मैं तुमसे अगर पूछूं व्हाट इज द मीन ऑफ दिस समेशन एक्स आई, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई, तो यहाँ अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तुम एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। हाँ या ऐसे तुम कर सकते ना। सो लाइक यू हैव कितना आ गया ये, हमें उसके टर्म में चाहिए ना एन थीटा, लेकिन थीटा कब आएगा। क्वेश्चन ये है कि टी के टर्म में मुझे लिखना है, मतलब मैं इसको क्या लिखूं, टी बाई एन। हाँ टी बाई एन, ये समझ आ रहा है सबको टी बाई एन, क्यों, क्योंकि ये एक्स बार हम जानते हैं कि लाइक मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लैम्डा होगा। हाँ यहाँ पे लैम्डा होगा, ठीक है लैम्डा। सो समेशन एक्स आई जो है उसका मीन फाइंड करोगे तुम्हारा आ जाएगा एन लैम्डा। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर मतलब यहाँ ये दिस इज नॉट करेक्ट, सो हमें उसके टर्म में ढूंढना है, ठीक है। तो मैं टी बाई एन का अगर ढूंढता हूँ, मुझे ये पता है कि ई ऑफ टी जो होगा वो एन लैम्डा होगा, क्योंकि ईच एक्स आई हैज मीन लैम्डा। सो टी समेशन एक्स आई, सो टी हैज मीन एन लैम्डा, सो टी बाई एन विल हैव मीन लैम्डा। और इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक एस्टिमेटर ढूंढ लिया इन टर्म्स ऑफ टी जिसका मीन जो है लैम्डा है। इसका मतलब ये हो गया T by N is uniformly minimum variance unbiased estimator of lambda. तो इसमें किसी को कुछ डाउट है बताओ, ये पॉइजन वाले केस में। अभी मैं बाइनोमियल भी डिस्कस करता हूँ, तो ये बिल्कुल इजी था, कंप्लीट सफिशिएंट निकालो और जिसका भी तुम्हें यूएम भी चाहिए उसके लिए T के टर्म्स में एक फंक्शन ढूंढो जिसका मीन वो लैम्डा है, मतलब लैम्डा के लिए चाहिए। तो मान लीजिए सर ये इसी क्वेश्चन में कहा था कि ई टू द पावर माइनस थीटा का यूएमवी निकालिए, तो उसके लिए फिर ढूंढना पड़ेगा कि ई की पावर माइनस थीटा किसका मीन है। यू हैव टू सर्च दैट ई की पावर माइनस लैम्डा किसका होगा, ढूंढना पड़ेगा सर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, टी बाई एन क्या होता है, तो टी बाई एन, अरे टी क्या था हमारा, व्हाट इज दिस टी, समेशन एक्स आई अपॉन एन क्या हुआ, हाँ तो एक्स बार हो गया ना। सो टी अपॉन एन इज नथिंग बट एक्स बार, तो उसको रीनेम कर सकते हो तुम, तो रीनेम दिस एक्स बार इज यूएमवी फॉर लैम्डा। सर इसको क्रैमर ऑन लोअर बाउंड से भी तो देख सकते थे, देख सकते थे आप, उसके लिए फाइंड कीजिए, बात सही है। वहां से ये लैम्डा बाय एन आ जाता मेरा क्रैमर ऑन लोअर बाउंड, और ये एक्स बार मेरा अनबायस्ड ऑलरेडी होता ही है। वो भी सही है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके हैं, तुम क्रैमर और लोअर बाउंड जो इनइक्वालिटी का जो है ना, लोअर बाउंड पहले फाइंड कर लो, फिर देखो क्या आता है और देखो किसका वेरिएंस है उससे कोइंसाइड कर रहा है, वो भी सही है। मतलब ठीक है, जो भी तरीका समझ आ रहा है, दोनों तरीके हैं।
ओके जैसे अब एक और एग्जांपल देखता हूं मैं बाइनोमियल वाला, तो उसमें क्या है कि लाइक सर उसी में अगर थीटा स्क्वायर का निकालना हो, हाँ तो फिर थीटा स्क्वायर के लिए देखो हाउ विल यू फाइंड द इसका वेरिएंस क्या होता है पॉइजन का, वो भी लैम्डा ही होगा. सो लैम्डा स्क्वायर का फाइंड करना फिर से तुम्हें वो सर्च करना पड़ेगा कि वैसा कौन सा एस्टिमेटर है टी के टर्म में, लाइक टी इंटू टी माइनस वन का मीन निकाल के देखो क्या आता है. और लेफ्ट साइड में जो भी टी के टर्म में आएगा वो यू एम बी हो गया. तुम ये कह रहे हो ओके ठीक है. सो ऑल्सो विल डिस्कस लाइक अगर तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइंड करो टी इन टू टी माइनस वन एंड यहाँ तुम बोल रहे हो एन स्क्वायर. You are saying this. Yes, sir. So this will be lambda square. Lambda square. Okay, तो ये तुम्हें verify करना पड़ेगा. है ना? मतलब t into t minus one का expression निकाल के देखो, वो n square lambda square आ जाएगा. तो उसके लिए फिर तुम उसको fit कर सकते हो. मतलब उसको lambda square right side में रख के उसको fit करो. हाँ सर वही निकाला मुझे. जैसे like t t minus one इस तरह मान लो t minus r minus one है. So how many terms I'm taking? R terms I'm taking. ठीक है. तो यहाँ आ जाएगा n की पावर r, so this will give you lambda raised to power r, ठीक ना? Yes sir. Okay. Similarly यही चीज तुम उसके लिए ये तो पॉइजन के लिए था, बाइनोमियल के लिए वेरीफाई करो. So let x1 x2 xn तुम्हारे पास है. This is theta, ठीक है. या बर्नौली के लिए करते हैं, उससे t में जो समेशन वो मिल जाएगा. ठीक है. So क्या होगा इसमें सर? वैसे ही होता है t into t minus करके डिवाइड बाय n इनटू n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करना. सो अगर तुम्हें फर्स्ट मान लो प्रूफ करना हो या हमें जैसे वेरीफाई जस्ट करना हो तो हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम. तो पहले मुझे उसके लिए कंप्लीट सफिशिएंट सेंटेंस चाहिए, तो उसके लिए मुझे पता है उसका पीडीएफ है ना. सो n c x p रेस टू पावर x 1 माइनस p रेस टू पावर n माइनस x, ठीक है. इस तरीके से तो यहाँ से इसको तुम कन्वर्ट करोगे लाइक यहाँ पे x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 अप टू n. सो इसको n कर दिया. हाँ तो यहाँ से ये तुम डिसाइड कर लोगे लाइक यूजिंग एक्सपोनेंशियल फैमिली यहाँ पे लगा सकते हो तुम. तो ये पी के जगह मैंने थीटा लिया हुआ है, ठीक है. तो क्या आ जाएगा? एक्स ही तुम्हारे पास आएगा ना यहाँ पे, तुम कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फैमिली में. सो इस तरह से अगर तुम कन्वर्ट करो तो उस तरीके से ब्रेक कर लो. तो ये लिख के यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा समेशन एक्स आई जो होगा दिस इज कंप्लीट सफिशियंट, ठीक है. कंप्लीट सफिशियंट उसके बाद फिर क्या है, मान लो इसको टी नाम दे दिया. सो फिर से वही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी हम लोग फाइंड करेंगे. तो टी समेशन एक्स आई है,
क्या आएगा यहाँ पे? एन थीटा तो उसका है, ईच एक्स आई का है, हमने बाइनोमियल एन थीटा लिया है, तो वो तुम तब कंसीडर करोगे जब यहाँ वन थीटा होगा, है ना? मतलब वो अरे गेटिंग द पॉइंट, एक्साइज अगर बर्नौली है तो उस केस में समेशन एक्साई बाइनोमियल हो जाएगा, और समेशन एक्साई बाइनोमियल हो गया तब टी का मीन आ गया तुम्हारा एन थीटा। ओके, तो ये जरा ध्यान रखना, यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने एक्स वन एक्स यहाँ लिया, अगर भाई तुम अगर बाइनोमियल उसको ले रहे हो तो यहाँ फिर मीन एन टाइम फिर क्या हो जाएगा, एन टाइम एन थीटा, एन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? अगर सैंपल बाइनोमियल ही होगा एन थीटा में, तो उस केस में तुम्हारा ये टी का जो मीन होगा एन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो चीज है, तो उसके हिसाब से ध्यान रखो। ओके, तो यहां से क्या मिला, एक्सपोनेंशियल ऑफ टी अपॉन एन तुमने कंसीडर किया, थीटा आया। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये दिखाया कि टी अपॉन एन जो है यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा हुआ। सिमिलरली अगर तुम फाइंड करना चाहो, सो यू कैन वेरीफाई नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इंटू टी माइनस वन, है ना, अपॉन एन इंटू एन माइनस वन, ये अगर फाइंड करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहां मिलेगा थीटा स्क्वायर, है ना? सिमिलरली इसको जनरलाइज कर सकते हो, टी टी माइनस वन, टी माइनस टू एंड सो ऑन, टी माइनस मान लो आर माइनस वन तक। सो हमने आर टर्म्स लिए हैं, तो ऐसे ही नीचे भी होगा डिनोमिनेटर में, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन, एन माइनस आर माइनस वन, इस तरीके से। और ये तुम्हारा हो जाएगा थीटा की पावर कितना, आर, ठीक है? तो इस तरह से तुम यू एम वी फाइंड कर सकते हैं ना, इसका मतलब हो गया कि दिस इज यू एम वी फॉर दिस, सो दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ दिस। सर यहाँ हम ओपन सेट की बात करें तो यहाँ तो फाइनाइट सेट है ना? यहाँ नहीं नहीं हम पैरामीटर के उसकी बात करते हैं। सो पैरामीटर आपका क्या है, थीटा 0 to 1 होगा। अच्छा, इंटरवल है। ओके, हाँ तो इंटरवल है, तो इंटरवल एक इंटरवल को कंटेन करेगी, तो कोई छोटा इंटरवल मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि थीटा के लिए जो सफिशियंट है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, तो ये तो ठीक है सर, कुछ हाँ सर आगे बढ़िए, कुछ रिजल्ट्स है, लाइक तुम जानते हो यूएमबी यूनिक होगा, अभी कुछ जैम के क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट्स करेंगे इस पे। जैसे एक दो रिजल्ट ये है कि कुछ रिमार्क्स हैं, पहला तो ये है कि यूएमबी यूई जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, किसी एक पैरामीटर के पैरामीटर फंक्शन के लिए, और थीटा या जो भी एक मतलब कोई एक सिमेटर पैरामीटर है उसके लिए यूनिक होगा। दूसरा जो तुम्हारे पास है यू एम वी यू ई जो है दिस इज सिमेट्रिक, सो सिमेट्रिक का मतलब हुआ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्स आईज, सो इससे ये है कहीं तुम्हें ऐसा मिले एक्स वन प्लस टू एक्स टू, इस तरह का ऑप्शन मिलता है, तो दिस विल नेवर बी, है ना, दिस विल नेवर बी यू एम वी यू ई, वाई, सो व्हाट इट मींस, है ना, कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक, वैल्यू इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सिमेट्रिक है तो x1 x2 अगर तुम इंटरचेंज भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक है, जैसे x प्लस y सिमेट्रिक है, तुम y को x रख दो, x को y रख दो, वो है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या है x1 प्लस 2 x2 है,
अब उसमें तुम x1 x2 इंटरचेंज करोगे तो 2x1 plus x2 हो जाएगा, जो कि दूसरा फंक्शन आ गया। इसका मतलब इस तरह का फंक्शन कभी भी UMB ही नहीं होगा, जो भी होगा सिमेट्रिक होगा, समेशन xi है, x1 plus x2 plus xn तक है। तो अगर तुम किसी को इंटरचेंज भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही फंक्शन फिर भी आएगा तुम्हें, सेम ही एस्टिमेटर रहेगा। तो इस तरह से ये सब UMB ही नहीं होगा, तो वो सिमेट्रिक फंक्शन होगा हमेशा। सर यहाँ ऐसे भी तो बोल सकते ना कि x1 plus 2 x2 मेरा sufficient estimator नहीं है, sufficient भी नहीं है, sufficient भी symmetric property हो सकती है। ये भी है okay, okay, तो कुछ जैम के questions पे आते हैं। सर 21 का देखिए, एक सेकंड, 21 का इसमें है ना, क्या पूछा था, यूएम भी हाँ, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस एंड बैड एस्टिमेट। सबसे लास्ट पेज में होगा, मतलब लास्ट पेज में करते हैं। इसकी बात कर रहे हो? नहीं, 18 नंबर। हाँ जी, करो ट्राई। तो इसमें टेक्निक क्या लगाएंगे? एक्सपेक्टेशन तो निकालने से रहे। So x1, x2, xn with a random sample for poison theta. Okay, theta 0 से infinity में है, ठीक है, theta 0 से infinity में है। तो ये पूछ रहा है आपसे वो कि summation xi जो है t है तुम्हारा। तो क्वेश्चन ये है कि um vue of e raised to power minus 2 theta into theta cube क्या होगा? Okay, तो ये तुम उससे ट्राई कर सकते हो। यस, बाकी लोग ट्राई करके देखो, मैं बताता हूँ। तुम लोग अपने तरीके से दिमाग लगाओ पहले। सर लॉजिकली सोचे तो डी आएगा। हाँ, अच्छा आंसर के में क्या दिया, आंसर क्या दिया भाई? सर इनवेरिएंस प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं करता सर, यूएम भी तो कैसे डी होगा? नहीं, तुम लॉजिक से प्रूव कर सकते हो।
सर थीटा क्यूब के लिए भी वो टी टी माइनस वन टी माइनस टू अपॉन एन क्यूब होता है, डी तो होगा ही नहीं, बी होगा, जैसे एन क्यूब उसमें बाहर निकाल के इसमें लगा सकते हैं ना, अब फिर एन टू द पावर टी माइनस थ्री जो होगा उसमें मैच अंडर हो जाएगा, तो वन माइनस टू बाई एन होगा टू द पावर टी माइनस थ्री। आंसर क्या बी दिया है? हाँ मैंने किया सर, वो सब फाइनल आंसर नहीं आ रहा है लेकिन पक्का है कि यही था, क्योंकि मैंने देखा इसमें सब कैलकुलेट करके, तो हम इसीलिए पूछ रहे थे। देखिए ई टू द पावर माइनस टू थीटा दिया है, फिर उसके बाद थीटा क्यूब दिया है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट करके दिया है, तो उस टाइम कैसे इसका एक्सपेक्टेशन एक का निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, होगा भी नहीं। अगर हम लोग चेक कर दे कि ये अनबायस्ड है उसके लिए ई टू द पावर माइनस टू थीटा थीटा क्यूब के लिए, तब तो होगा कि हाँ यूएमबी होगा, लेकिन इसका अनबायस्ड चेक करना बहुत मुश्किल बात है। मतलब तुम्हारे पास दो अप्रोच है, दूसरा अगर वो यूज करना चाहो तुम, लेकिन जैसे तुम अगर क्रेमर राव इनइक्वालिटी यूज करते हो तो उसमें तुम्हें क्या चाहिए, एक तो वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तो वो निकालना आसान है, तब एक और चीज अगर ये ऑप्शन ही नहीं दे तब कैसे करेंगे? तो ऑप्शन जैम देता है ना, क्यों नहीं देगा? अभी नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सोच रहे हैं। हाँ तो हिट एंड ट्रायल तरीके से तुम ट्राई करते रहो कि कौन सा ऐसा एस्टिमेटर है, तुम्हें वो ढूंढना पड़ेगा, तरीका तुम्हें पता ही है, तो वो उस तरह से बनाना पड़ेगा एस्टिमेटर तुम्हें। इसका और कोई तरीका नहीं है सर? नहीं तरीका तो यही दोनों है, मतलब या तो क्रमर राव लगाओ या फिर लेजर से भी लगाओ, उसमें क्या है? मान लीजिए सर खूब बड़ा फंक्शन दे दे, फिर काहे के यूएमबी निकालिए, तब ढूंढते रहेंगे। हाँ तो वही तो मेन वही है ना, तो उसके लिए फिर वो उस तरह का वर्क करना पड़ेगा। इस बार बहुत बड़ा मतलब ठीक ही ठाक फंक्शन दिया है, ट्राई करते हैं सर हम लोग, थोड़ा देखते हैं फिर से एक्सपेक्टेशन ऐसे ट्राई करके देख रहे हैं, अगर मैच सर्ट करता है तो देखते हैं। और तरह एग्जांपल है सर आपके पास, तो अभी करा दीजिए उसके बाद इसको देखने बाद में। नहीं इसको अगर करना चाहे तो कोई नहीं, इसका अप्रोच देखते हैं इसका उसमें क्या है, तो उसके लिए मतलब तुम इसके लिए फाइंड कर सकते हो सर। एक चीज और बताइए था, इसको अलग अलग करके कर सकते हैं, जैसे e to the power minus 2 theta का निकालना है और theta cube का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। देखो वो आईडी होता है, तो अगर तुम्हें इस तरह का अगर प्रोडक्ट में है तो तुम उसको वैसा कर सकते हो, बट जैसे क्योंकि वो भी दिख भी रहा है सब रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो कुछ रिजल्ट ड्राइव करना पड़ेगा, नहीं तो इसको डिफरेंशिएट जनरलाइज में दिखाया नहीं होगा ना हमने, जैसे वेरिएंस ऑफ कोई एस्टिमेटर तुम्हारा टी है, तो ये अब यहाँ वेरिएंस में निकालना तुम्हारा मुश्किल है, जैसे इसका वेरिएंस निकालो किसी ऑप्शन का, सो दैट इज डिफिकल्ट टास्क, तो और टफ हो जाएगा। वही है, तुम्हें थोड़ा रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा, सो लाइक इसको देख के, हाँ एक तो जैसे अंदाजा तो तुम गेस कर सोचोगे तुम्हें लग रहा होगा ओके आइदर जैसे मतलब सिमिलर टाइप के ऑप्शंस ही हैं, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ए और बी तो पहले हमको शक हुआ गया, ए और बी में कोई होगा, फिर मैंने चेक करते गया तो फिर टी इंटू टी माइनस वन निकाला, एन स्क्वायर निकाला, तो टी बाई एन हमने ये प्रूव किया, एक्स बार इज यूएमवी फॉर थीटा,
अब ये इनवेरियंस ऐसा कुछ प्रॉपर्टी तो है नहीं इसका अभी, तो इसका हमें अभी सर हम लोग थीटा क्यूब के लिए निकाले थे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ही, द्वारा था टी इनटू टी माइनस वन इनटू टी माइनस टू बाय एन क्यूब। ये था हमारे थीटा क्यूब के लिए, थीटा क्यूब के लिए। हाँ तो उस तरीके से तुम थोड़ा सोच सकते हो कि ऐसा कुछ फिट कर सकते हैं क्या, तो यहाँ तुम देखो उसको, इसको फिट कर पाओगे इजीली। एन टू द पावर टी माइनस थ्री है, जैसे क्या है टी टी माइनस वन टी माइनस टू और अपॉन एन क्यूब, ये तो हो ही गया। और इसको लिख सकते हैं ये क्या है एन माइनस टू की पावर दिया है वन माइनस थ्री, और नीचे हो गया एन की पावर टी माइनस थ्री, ऐसा लिख पाएंगे। तो वन माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं वन माइनस टू बाई एन टू द पावर टी माइनस थ्री, और इसको एक पावर कॉमन ले लो पूरा, तो पावर एक साथ ले लोगे तो अपॉन में एन हो जाएगा ब्रैकेट में लाइक दिस। तो पॉइजन का प्रॉपर्टी ये था, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ना, हमने वो देखा था कि ओके दिस थिंग इसका ये था, और इसके लिए हाँ तुम वन माइनस टू अपॉन एन टी माइनस थ्री। थीटा क्यूब ई की पावर टू, मतलब कुछ रिजल्ट उस पर देखना पड़ेगा ना, तो यहाँ से आ तो जाएगा। तो वही सर पहले हम लोग को फाइंड करना होगा कि ई टू द पावर माइनस टू थीटा का यूएम वेवी क्या होगा, और इससे फिर उसके बाद रिजल्ट देखना पड़ेगा कि अगर दोनों अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब तो सही है, नहीं तो कुछ और तरीका हो सकता है। ठीक है इसको मैं देखता हूँ कि आसान तरीका क्या हो सकता है। यस सर, जी जिन लोगों को कंप्लीट में दिक्कत हो रहा था बताओ भाई, जैसे एक दो क्वेश्चन कंप्लीट का देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है 2021 में कंप्लीट का 38 नंबर, मैंने अभी ये हाँ सर ट्राई करो जी, देखो क्या दिक्कत है। x1 x2 xn be the random sample from distribution with pd of this, और यहां तुम्हें दे रखा है माइनस थीटा टू प्लस थीटा, r जो है वो मिनिमम है, s जो है मैक्सिमम है, देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू। सफिशिएंसी तुम लोगों को पता है, ml भी निकाल सकते हो है ना। ML तो इजीली निकल जाएगा, नहीं ML और यहाँ सफिशिएंट तो से कर लोगे। उस दिन जो बताए थे ना सर वो केस जिसमें हम लोग कॉमन फिट करते थे, मतलब मोड ऑफ एक्सरसाइज भी सफिशिएंट होता है ना। आपने लिखवाया था उस दिन माइनस थीटा टू थीटा इंटरवल के लिए। हाँ हमने उस दिन किए थे। हाँ हाँ तो सर वो कंप्लीट भी है, मतलब मोड ऑफ एक्सरसाइज को वाई लेके भी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। हाँ जैसे सर इसमें ना मतलब मुझे तो प्रॉब्लम आर बाय एस में आई थी, एक्चुअली लास्ट ईयर मेंशन ही नहीं किया था ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और इसमें आर बाय एस का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लगता है आर थर्ड एस ऑर्डर का। अच्छा हाँ मतलब जैसे आर तुम्हारा है ओके फर्स्ट ऑर्डर एस, हाँ nth ऑर्डर स्टैट्स है, तो ये सफिशिएंट है क्या, एस तुम्हारा क्या है सफिशिएंट है।
अजयश क्या था मैक्सिमम ऑफ दिस जैसे तुम अगर डेफिनेशन यूज करना चाहो सफिशिएंसी का यूज कर सकते हो ना डेफिनेशन तरीके से हाँ, क्योंकि हम जानते हैं ना सफिशिएंट तो, अगर है तो आर अपॉन एस का मतलब क्या है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो ऐसे काफी टाइम लग जाएगा हाँ मतलब फिर वो जैकोबियन यूज करना पड़ेगा वैसे तो बट सफिशिएंसी यूज करके मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सफिशिएंसी का रिलेशन इससे है तो इसीलिए डिपेंड नहीं करता सर वो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी है ना तो अगर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है तो इसीलिए ये होगा सर हम जो जो हम लोग एम एल ई निकाल रहे थे उस दिन तो उसमें हम लोग के पास फंक्शन आ रहा था मान लीजिए इसका एम एल ई का जो फंक्शन आएगा वो माइनस मतलब कि आएगा माइनस एक्स वन और एक्स एन का ज्वाइंटली मतलब उसका कोई भी फंक्शन होगा पहले इसमें चेक करेंगे ना वो ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना सर उसका तो यहाँ पे क्या होगा जैसे माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई है तो माइनस थीटा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एक्स वन एंड थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई है तो एक्स एन तो यहाँ से अगर तुम चेक कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस एक्स वन तो जो अब दोनों से बड़ा हो गया थीटा मोर देन इक्वल टू अब इन दोनों के दोनों से लार्जर है तो मैक्सिमम ऑफ बोथ ठीक है माइनस एक्स वन कॉमा एक्स एन इन दोनों के उससे होगा और इसका आई जो है वन अपॉन टू थीटा मतलब जो एल है लाइक्लीहुड फंक्शन वो पावर एन है ओके सो ये इसका एमएलई हो जाएगा ना क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो थीटा की मिनिमम वैल्यू के लिए ये हमारा मैक्सिमम होगा लाइक्लीहुड फंक्शन तो मैक्सिमम ऑफ दिस माइनस है ना सो मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स वन इन्होंने दिया है आर माइनस आर कॉमा एस इस तरह से यस सर तो फिर इसमें एमएलई कैसे होगा कि मैक्सिमम कैसे पता करेंगे सो एस इज द एमएलई ऑफ थीटा एस क्या है nth ऑर्डर स्टैट्स सो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस सर एक्स वन और एक्स एन दोनों ही एमएलई होगा ना हाँ मतलब मैक्सिमम ऑफ दिस है तो डिपेंड करेगा कि मतलब हाँ सिचुएशन के हिसाब से दोनों होगा ना सर अगर वो नंबर्स दिए होते तो वी कैन टेल कि ऐसे कि वो है अगर वैसे दोनों ही मिली है ना तो इसमें क्या लेंगे मतलब फाइनली क्या लेंगे कि इसका एमएलई एस तो हो सकता है एस है ना क्योंकि माइनस आर कॉमा एस है और एक साइज कैन टेक नेगेटिव एल वॉल्सो तो प्रॉब्लम इसमें माइनस आर जो होगा वो नेगेटिव होगा सो माइनस आर और एल आर जब नेगेटिव होगा तो ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा अरे एक्स की दो तरह की वैल्यू एक्स जब नेगेटिव है तो उस केस में तुम्हारा आर जो होगा वो भी नेगेटिव होगा इसलिए माइनस आर लिया है तो जो भी लार्जर है उनमें से जैसे एक्साइज जब नेगेटिव है तो उस केस में आंसर तुम्हारा माइनस आर होगा और एक्साइज जब पॉजिटिव है तो उस केस में आंसर तुम्हारा एस आएगा मतलब तो वो देखना पड़ेगा कौन लार्जर है उनमें से उसके हिसाब से ना क्योंकि एक्साइज जब माइनस थीटा से लाया थीटा मोर देन सर वैसे ही सेम ऑप्शन सी में देखिए सबको अब इसमें मॉड ले लिया है जैसे सारे जो भी सैंपल्स है ना x1 x2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक अब इसको मॉड ले लिया है फिर इसी में चेक किया कि मैक्सिमम इसमें जो होगा वही कंप्लीट सफिशिएंट सबको पॉजिटिव कर दिया तो मॉड x यहां ले लोगे तो मॉड x की वैल्यू आ जाएगी 0 टू थीटा एक्चुअली जो मॉड x जो रैंडम वेरिएबल आ गया वो तुम्हारा आ जाएगा
यूनिफॉर्म जीरो तो थीटा हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए तुम वो फाइंड कर सकते हो। तो अभी तो मैंने बताया है, अभी आज के पहले क्लास में ही बताया मैंने कि यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए तुम याद भी रख सकते हो उसको, जो एक्स एन है दिस इज सफिशियंट एंड कम्प्लीट। एग्जाम्पल लिखा है ना आज कि यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए एक्स एन जो है सफिशियंट भी है कम्प्लीट भी है दोनों है, तो उसके लिए सी करेक्ट हो गया क्योंकि मॉड एक्स जो होगा यूनिफॉर्म जीरो थीटा होगा, एक्स जो था माइनस थीटा थीटा में था, मॉड लोगे तो जीरो थीटा में आ गया और वन बाई टू थीटा थीटा हो जाएगा, डबल हो गया वैल्यूज, तो सारी नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, तो मॉड एक्स इज यूनिफॉर्म जीरो थीटा हो गई। और मतलब तुम मॉड एक्स की जगह वाई ले लो चाहो तो वाई वन वाई टू वाई एन बोल दो, तो वाई आई आर मतलब मॉड एक्स आई को मैं वाई आई बोल रहा हूँ, तो वाई आर यूनिफॉर्म जीरो थीटा या वाई आई, तो उस केस में जो nth ऑर्डर स्टैट्स है दैट इज द कम्प्लीट एंड सफिशियंट बोथ। ठीक है तो फिर इस पर कैसे पता करेंगे उसमें? सर ये मॉड एक्स ये सब कंप्लीट होगा, कंप्लीट या सफिशिएंट स्टेट कंप्लीट? अरे भाई तो मॉड सफिशिएंट मॉड तो हट गया ना, मॉड तुम कहां देख रहे हो, तो हमने कहा कि मॉड एक्स आई क्या है वाई आई है, वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, यूनिफॉर्म जीरो, तो वाई आई का एमएलई क्या होता है, सॉरी वाई आई के लिए कंप्लीट सफिशिएंट क्या है nth ऑर्डर स्टैटस है वाई, हां तो वाई एन हो जाएगा, वाई एन हो गया, वाई एन क्या है एक्चुअली मैक्सिमम ऑफ वाई1 वाई2 वाई एन, y1 क्या है यही तो है, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज y, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यही तो लिखा मैक्सिमम ऑफ y1 y2 y3 yn, सो दैट इज कंप्लीट सफिशिएंट बोथ। चलिए हमें हर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर देखना पड़ेगा, उसके लिए है ना सारे को फाइंड करने पड़ेंगे। हां क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस, वी हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें जो s इज द s इज एन mle ऑफ थीटा ये तो सही नहीं होगा। हां एक्चुअली मेन mle तो हमारा ये आ रहा है मैक्सिमम ऑफ माइनस माइनस r n बट उस सिचुएशन में s होगा भी mle दिखाया कि n mle ऑफ थीटा में निकाल सकते हैं मॉड के टर्म में mle मॉड के टर्म में। हाँ अगर मॉड होगा फिर तो आ जाएगा मॉड के टर्म में फिर। अच्छा तो एक्स आई अगर पॉजिटिव है उस केस में यही आएगा, लेकिन वो मॉड होगा तब आ जाएगा। लाइक ये जो है जैसे ये तुम्हारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एमएलई हो जाएगा थीटा के लिए। आंसर क्या दिया ऐसे सर ए सी और डी है ओके ए सी डी है ओके बी नहीं होगा तो ए है सी है डी है ओके तो क्योंकि हमारा जो एमएलई आया है ना वो आया है मैक्सिमम ऑफ मतलब माइनस आर कॉमा एस, जैसे वही एक कुछ सिचुएशन में एस होगा बट ऑलवेज नहीं होगा ना, लाइक वो रेस्ट्रिक्शंस होंगे इन दोनों में, जब एस लार्जर होगा उस केस में वो एमएलई होगा, बट माइनस आर भी तो एमएलई हो सकता है कुछ केस में जब माइनस आर की वैल्यू ज्यादा है इससे। ओके हाँ ठीक है, तो इसलिए इसमें गलत दिया गया है ना, क्योंकि इन दोनों में जो भी लार्जर है वो एमएलई है, तो एस इज नॉट एमएलई ऑलवेज, ठीक है ना, तो माइनस आर कैन ऑल्सो बी एमएलई। सर एक चीज इसमें हमको नहीं समझ में आया सर कि अगर हम लोग मैक्सिमम लेते हैं माइनस एक्स वन और एक्स एन में, ठीक है, हमारे पास जो लॉग मतलब लाइकलीहुड फंक्शन है वन बाई टू थीटा टू द पावर एन है, मतलब थीटा डिनोमिनेटर में है, जब थीटा का अगर मैक्सिमम लेंगे तो सर ये मिनिमम हो जाएगा ना सर, हमको थोड़ा इस पर कंफ्यूजन चल रहा है। थीटा का अगर इसको मैक्सिमम लेंगे थीटा को उस दोनों में से माइनस एक्स वन और एक्स एन में से, हाँ इन दोनों में से अगर थीटा का वैल्यू जितना ही मैक्सिमम लेंगे उतना ही तो सर ये लाइकलीहुड फंक्शन छोटा होगा मतलब कि कम होगा। तो ये तो बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम कब होगा, थीटा किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा,
जब थीटा टू मिनिमम छोटा, हाँ तो थीटा इस रेंज में, सबसे छोटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू टी से इंफिनिटी के बीच है, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, थीटा के मिनिमम वैल्यू टी होगी। हाँ टी मैंने इसको नाम दिया है, सो थीटा मोर देन इक्वल टू टी है, सो थीटा मोर देन इक्वल टू टी है तो थीटा की मिनिमम वैल्यू के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा। सो थीटा जब मिनिमम है तो लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है, टी इज द एमएलई ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ एक्स आई का रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, यहाँ थीटा का रेंज टी से इंफिनिटी में है। थीटा कभी नेगेटिव नहीं होगा, थीटा हमेशा पॉजिटिव है, वो एक्स साइज नेगेटिव हो सकता है, थीटा कभी नेगेटिव नहीं होगा, इनफैक्ट एमएलई भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम है। तो सर तो यहाँ मिनिमम ऑफ माइनस आर को माइनस होगा ना, क्यों हमारा क्या है, दोनों से लार्जर आया था ना हमारा उस समय, तो इसको जस्टिफाई कर दीजिए। माइनस आर और एस में जो मिनिमम होगा उसके लिए एमएलई मैक्सिमम देगा। एमएलई क्या होता है, एमएलई एक एस्टिमेटर है, लाइक्लीहुड फंक्शन एक तुम्हारा पीडीएफ है, मतलब वो एक फंक्शन है, लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/2 थीटा, क्या कहना चाहते हो तुम लोग, 1/2 थीटा की पावर एन, ये लाइक्लीहुड फंक्शन हुआ। अब थीटा का इसके लिए रेंज है मोर देन इक्वल टू टी, टी मैं नाम दे रहा हूँ, टी ये जो हमारा आया था मैक्सिमम ऑफ माइनस आर कॉमा एस। हाँ बताओ आप क्या कहना चाहते हो सर, कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब माइनस आर और एस में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसके लिए एमएलई मैक्सिमम देगा ना। सपोज मेरा आर अगर छोटा है एस से तो आर के लिए वो मैक्सिमम देगा, मतलब छोटा वैल्यू के लिए तो वो एमएलई मैक्सिमम देगा ना, तो मैक्स की जगह पे यहाँ पे मिनिमम लिखाना चाहिए। नहीं ये एक्चुअली यहाँ से डिसाइड नहीं हुआ है, वो डिसाइड एक्साइज हुआ है। वो कैसे डिसाइड हुआ है, वहाँ पे था कि माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई एंड एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू थीटा, तो दूसरे टर्म में लिखूंगा तो थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, तो यहाँ से क्या मिला, माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू है फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स एंड थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो माइनस थीटा वाला प्रीवियस क्लास में कि डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम ऑफ लोअर फर्स्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर होगा। तो वो तो हम बाद में करेंगे ना, पहले तो ये तो डिसाइड कर ले थीटा का रेंज क्या है, वो तो लाइक्लीहुड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके चेक तो कब करेंगे, जब मुझे थीटा का रेंज पता हो, ये तो ठीक है। अब पहले थीटा किस इंटरवल में ये तो पता चले मुझे कि थीटा की वैल्यू क्या है, तब उसके बाद हम देखेंगे इस इंटरवल में थीटा में क्या लूँ ताकि लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी जो पहले इसको तुम यूज़ करोगे, जब लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे हो तो यहाँ एक्स आई की वैल्यू माइनस थीटा से थीटा में है, मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया क्योंकि मुझे अब थीटा का रेंज चाहिए, तो यहाँ से दो चीजें निकल के आएंगी कि माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स वन है। क्लोज इंटरवल में जब क्लोज इंटरवल में आ रहा लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल रहा हो तो डिसाइड, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करेंगे। नहीं चेक तो यहाँ भी हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ थीटा का रेंज जो है, अब थीटा मोर देन इक्वल टू ये नंबर भी है मोर देन इक्वल टू, जब थीटा दोनों से लार्जर है तो हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, दोनों के मैक्सिमम से, लाइक कहीं आता है थीटा मोर देन वन थीटा मोर देन टू, तो इसका कॉमन पॉइंट क्या होगा, थीटा मोर देन टू होगा जो भी उसका मैक्सिमम है। तो यहाँ तो मैक्सिमम आ गया, यहाँ तो मिनिमम क्यों लग रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन कोई चक्कर ही नहीं अभी यहाँ पे, यहाँ तो हम डिसाइड कर रहे थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, सो जो भी मैक्सिमम होगा वहाँ से स्टार्ट होगा, यही कंफ्यूजन हो रहा। सो थीटा स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, थीटा टू से स्टार्ट होगा, अब ये थीटा का रेंज आ गया, अब इस रेंज में सोचेंगे कि एमएलई क्या होना चाहिए, तो ये थीटा का रेंज आ गया, मतलब टी से इन्फिनिटी आ गया। अब हम देखेंगे कि इस इंटरवल में टी क्या लूँ ताकि फंक्शन मैक्सिमम हो, सो एल डैश थीटा निकालोगे वो नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो इंटरवल में टी की वैल्यू जब मैं मिनिमम लूंगा तो मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा, सो दैट इज द टी, सो टी इज द एमएलई ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है प्रैक्टिस, अब थोड़े क्वेश्चंस है ना डिफिकल्ट आ रहे हैं, इसलिए इससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस है, जो पहले इजी आते थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे लेवल एग्जाम का इंक्रीज हो रहा है, प्रैक्टिस करो। सर मैंने क्वेश्चन ग्रुप में डाला है, बताइए।
सर हाइलाइटेड पार्ट है. Let x1 x2 xn be the random sample from population having pd of this and what is the mle of theta. Okay, so ठीक है, तुम्हारा पीडीएफ है इस तरह से, क्या है, 1/थीटा ई रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस थीटा अपॉन होल थीटा, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, एक्स मोर देन इक्वल टू थीटा. ठीक है, तो क्वेश्चन है थीटा पॉजिटिव है तो फाइंड द एबेली ऑफ थीटा. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एबेली हम लिख रहे होंगे, सो पहले तो जब लाइक्लीहुड फंक्शन हम लिख रहे होंगे तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1/थीटा की पावर एन हो गई और ई की पावर माइनस 1/थीटा तुम बाहर कर सकते हो, समेशन एक्स आई माइनस थीटा. ठीक है, ये तो मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहा हूँ. अब यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एक्स आई आर मोर देन इक्वल टू थीटा. सो मतलब ये हो गया, इसी को मैं रिपीट करता हूँ, थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई. सो थीटा लेस देन एक्स आई मतलब क्या होगा, थीटा इज लेस देन फॉर ऑल एक्स आई, सो थीटा विल बी लेस देन इट्स मिनिमम. सो यहाँ से ये मिला मुझे कि ये हमारे पास एक लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/थीटा की पावर एन. सो थोड़ा और वो करेंगे सिंप्लीफाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो तुम्हारा आ जाएगा एन थीटा, तो प्लस एन आ जाएगा ई की पावर एन और फाइनली ई की पावर माइनस 1/थीटा समेशन एक्स आई. ठीक है, इस तरह से आया. और थीटा का रेंज ये है, थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल लेस देन इक्वल टू, है ना, तो थीटा यहाँ जीरो से लेके एक्स वन में होगा. ठीक है, सो अभी तक हमने क्या डिसाइड किया, दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन एंड दिस इज द रेंज ऑफ थीटा, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन में एक्चुअली थीटा वेरिएबल है. सो बस कैलकुलेशन चेक कर लो, मैंने क्या किया, प्रोडक्ट किया, मतलब डेफिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड यूज किया यहाँ पे एंड उसके बाद ईच एक्स आई है ना इज मोर देन इक्वल टू थीटा. सो ये आ गया. अब तुम्हें डिसाइड करना व्हाट इज एमएलई. तो अब यहाँ तुम्हें चेक करना होगा इस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम है, तो उसके लिए एक बार डिफरेंशिएट करके या लॉग लाइक्लीहुड ले लो तो उससे आसान हो जाएगा. तो हम मेथड से ही करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या कोई और टर्निंग पॉइंट है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग होगा तो एन मतलब तुम्हें पता है कि जो थीटा का रेंज है, थीटा का जो रेंज है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, डिक्रीजिंग है थीटा के लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, अगर बीच में भी टर्निंग पॉइंट है तो बीच के पॉइंट पे मैक्सिमम हो सकता है ना, मैक्सिमम में कुछ भी. तो इसको ठीक है, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ले लो, लॉग एल इफ यू टेक तो क्या होगा, यहाँ तो समझ ना कैसे आएगा, सो माइनस एन लॉग थीटा प्लस एन माइनस 1/थीटा समेशन एक्स आई, यही ना. ओके, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर लो, माइनस एन बाई थीटा आ गया इसका जीरो, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो थीटा ही वेरिएबल है, बाकी सब कौन सा, 1/थीटा स्क्वायर, 1/थीटा स्क्वायर समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 टू एन. अब इसको जीरो पुट कर दो अभी, उससे तुम्हें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. सो थीटा की आई एक्स बार आ गई, एक्स बार. हाँ, अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे, अब इसका डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं, करके देख लो ताकि पता चल जाएगा क्या कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या. सो अगर डबल डेरिवेटिव तुम कर लोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, एक बार और इसी को डिफरेंशिएट कर लो, तो यहां से आ गया तुम्हारा कितना, या ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो, मतलब ये n upon theta upon theta square minus 2/theta cube x i. ओके, तो अब यहाँ थीटा तुम पुट भी कर सकते हो चाहो तो, एक्स बार पुट करके देख लो, एक वो ऑप्शन है. उसे मेनली डिसाइड ये करना है कि ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, या ये अगर नहीं करना चाहो तो यहाँ से भी दिख जाता, यहाँ से भी वो चीज दिख जाता. सर तो इधर एक्स बार नहीं ले सकते मिली, अभी देखो डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इस पे मैक्सिमम या मिनिमम है, तो क्योंकि थीटा का रेंज यहाँ वो कर दिया इन्होंने 0 to x1, x1 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम है ना, हाँ मिनिमम ऑफ दैट, सो 0 से मिनिमम ऑफ दैट, बट यहाँ x बार नहीं ले पाएंगे क्योंकि x बार जो होगा, देखो तुम्हारे पास मान लो n नंबर्स हैं सपोज,
और उसको तुम अगर अरेंज करो, सो क्या लगता है? डी जीरो आ रहा है सर। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, डी जीरो आ रहा है, मतलब तुमने पुट किया एक्स बार पुट करने पर जीरो आ रहा है, एन वाई थीटा स्क्वायर, और ये एक्स बार को तुम थीटा के टर्म में लिख लो चाहो तो, सो ये हो जाएगा। नहीं सर, थीटा को एक्स बार के फॉर्म में लिख दिया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, तो एन अपॉन, मैं तो वैसे कर रहा हूँ, एन अपॉन थीटा स्क्वायर, टू बाई थीटा क्यूब है, समेशन एक्स आई को अगर मैं थीटा के टर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एन थीटा। हाँ तो यहाँ पर कर दिया थीटा स्क्वायर, तो ये आ रहा ना माइनस एन अपॉन थीटा स्क्वायर, नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? सो नेगेटिव मतलब मैंने क्या किया है कि समेशन एक्स आई को लिख दिया, तो नेगेटिव आ गया, मतलब मुझे मैक्सिमा मिलेगा, तो इस पॉइंट में मैक्सिमा मिलेगा। बट प्रॉब्लम अब ये है कि तुम्हारा थीटा का रेंज क्या है, चेक करो, जीरो थीटा जो है वो जीरो से एक्स वन में है, एक्स वन, और तुम्हें ये पता चला है कि एक्स बार पे ये मैक्सिमम हो सकता है, है ना? अब क्वेश्चन ये है कि एक्स वन में और एक्स बार में कौन सा लार्जर नंबर है, कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा है, तुम्हारे पास एन नंबर दिया मैंने, तो सबसे छोटा चुन लो तुम और एक उसका एवरेज ले लो, तो कौन सा स्मॉलर होगा? एक्स वन है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स मिनिमम होगा। एक्चुअली एक्स बार इस डोमेन में है ही नहीं, मतलब जो थीटा का डोमेन है लाइक्लीहुड में, डोमेन में होगा तभी हम उसको ले सकते हैं, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम कह रहा है वो तो डोमेन में ही नहीं है, तो हमें तो मैक्सिमम मिनिमम इसी के अंदर डिसाइड करना होगा, हमें इसी में डिसाइड करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम या किस पॉइंट पे मिनिमम है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया ना, वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, एक तो जीरो है, ओके हमने यहाँ इग्नोर किया ऐसे, वो वहां से वो जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे ना, क्योंकि थीटा मोर देन जीरो होगा ना, इसमें मोर देन जीरो लिखा है। सर अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाता मतलब मिनिमम, तो अपने क्या कंसीडर करते थे? अच्छा यहाँ तुम्हें लग रहा है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता? हाँ मतलब अभी लेस देन जीरो आया ना, ये सिचुएशन मैक्सिमा की हो गई, तो थीटा के मैक्सिमम पॉइंट पर अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो एक्स बार पे ये मिनिमम वैल्यू देगी। हाँ लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक्स बार जो है हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास मैं अगर 100 नंबर देता हूँ, कोई भी रैंडमली कोई भी उठा लो 100 नंबर, तो उनमें से मिनिमम नंबर सेलेक्ट करो और उन 100 नंबर्स का एवरेज लो, तो कौन सा नंबर छोटा होगा, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी इसका क्या होगा, इसका तुम्हारा आंसर मिला भाई पहले, उसको तो क्या पूछ रही थी वो, एक्स वन छोटा होगा एक्स बार से, समझ आया वही था कि मेरे दोनों आ रहे हैं तो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, मुझे वही नहीं समझ आ रहा। हाँ हाँ ये सुभद्रा पूछ रही थी कि एक्स बार मिनिमम कैसे हुआ, ये समझ आया भाई तुम्हें? हाँ सर अगर 100 का सैंपल लेंगे तो जो भी आएगा तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट सैंपल से तो बड़ा ही आएगा, एवरेज तो बीच में जाएगा ना, एवरेज कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो मिनिमम तो हमेशा छोटा ही होगा एवरेज से, ओके तो इससे हमने ये डिस्कार्ड कर दिया कि ये एमएलए नहीं हो सकता है, तो अब क्वेश्चन ये कि एमएलए क्या होगा, है ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एमएलए ऑफ दिस, जो भी हमारा पीडीएफ दिया है उसमें थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है ना? सो उसके लिए एक से हम कर सकते हैं, किसी इंटरवल में कैसे डिसाइड करोगे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है, तो इसका मतलब देखो क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में नहीं है, इसका मतलब ये पक्का है कि इस इंटरवल में या तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ओके तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, एक मिनट देखो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे अब सिंपल लॉजिक लगाना है फंक्शन वाला, ओके तो हमें एक्स बार कोई नंबर यहाँ पे आगे है और एक्स वन हमारा यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे, तो हमारा फंक्शन का डोमेन सिर्फ यही है और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है वो यहाँ बहुत आगे है, इसका मतलब क्या है फंक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग रहा होगा, तो मैक्सिमम मिलेगा हमें, मैक्सिमा कब मिलता है जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यस सर, तो इस इंटरवल में फंक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग है,
तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो x1 इज द एबेली। हाँ, अब एक क्वेश्चन बीच में तुमने पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये पॉजिटिव हो जाता डबल डेरिवेटिव तब क्या होता। देखो पॉजिटिव अगर हो जाता तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता, मतलब मतलब इसका मतलब है कि x बार पे फंक्शन मिनिमम होती तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीज करके इंक्रीज कर रही होती, तो फिर तुम्हें लोएस्ट पॉइंट पे एमएलई मिलता, फिर एमएलई एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में, उस केस में। लेकिन इस केस में आंसर x1 है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज द एमएलई। लेकिन जल्दीबाजी में लोग x बार भी लगा सकते हैं। शायद इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर x1 है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। सर लेकिन जो ग्राफ से आप बताए तो फर्स्ट क्लास में जो एमएलई पढ़ाए थे तो उस दिन तो बताए थे कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में लोअर पॉइंट पे मेरा एमएलई जो मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। तुम लोग ना इतना कंफ्यूज क्यों होते हो भाई, ये तो सिंपल लॉजिक है, कोई फंक्शन। हाँ क्या दोबारा बताओ तुम क्या बोल रहे हो। जब डिक्रीजिंग आएगा तो अगर ए और से बी में कोई ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है तो ए पॉइंट पे हमारा एमएलई मिलेगा लोअर पॉइंट पे। जी, तो हमारा इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमने कहा कि एक्स बार पे मैक्सिमम है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग। तो एक्स बार पे मैक्सिमम कब मिलेगा, जब फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा ना, मतलब एक्स बार फंक्शन जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमम देगा। तो इसका मतलब एक्स बार पे मैक्सिमम था और एक्स बार इंटरवल के बाहर है, हमारा इंटरवल सिर्फ ये है, हमारा इंटरवल यही था, तो x बार आंसर तब होता अगर x बार उस इंटरवल के अंदर आ जाता, मतलब उसमें। लेकिन वो तो बाहर का पॉइंट है, तो इसमें मैक्सिमम कब मिल रहा है और इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो भी एंड पॉइंट है, लास्ट एंड पॉइंट है, मतलब इंक्रीजिंग में जो राइट साइड वाला एंड है उसमें मैक्सिमम, हाँ डिक्रीजिंग होगा। और उसका कारण है एमएलई निकालने के लिए, एमएलई फॉर थीटा चार्जिंग, फिर कैसे निकालेंगे, जैसे वन मान लीजिए वो डिस्ट्रीब्यूशन है वन बाई पाई इंटू वन बाई वन प्लस एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे करके। हाँ, तो फिर थीटा का एमएलई कैसे निकलेंगे, निकालेंगे जैसे बाकी का निकालते वैसे निकालेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन थीटा। तो जैसे अभी हमने किया वैसे करेंगे ना, तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो फिर यहाँ xi मोर देन x1 का देंगे, उसको चेक करना पड़ेगा ना, तो भाई इस फंक्शन के बारे में भाई उसका नेचर क्या है उसके हिसाब से ना। अच्छा, मतलब ऐसे तुक्का थोड़ी लगाना है, ये डायरेक्टली थोड़ी बोलना है कि ऐसा, नहीं, नहीं। मतलब वो एनालाइज करना पड़ेगा। यस सर। और एक आता है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, 1/2 e to the power minus e to the power minus mod x minus theta। उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, दो केस बना लो, x मोर देन थीटा, x लेस देन थीटा। जब मेथड से जाते हैं ना तो एक्सरसाइज की मतलब थीटा इक्वल टू जीरो होता है या फिर वो एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज का फंक्शन नहीं मिलता है अपने को, तो हमको मतलब कॉलेज में बताया था कि वो जब तभी पॉसिबल है जब सैंपल स्पेस में मतलब n1 इक्वल टू n2 होगा, जब दो सैंपल ऑब्जर्वेशन सेम होंगे तब उस पॉइंट पे वो वैल्यू जीरो होगी। तो n1 इक्वल टू n2 होगा तो मतलब ये सिंपली अगर दो सैंपल्स दिए हैं उसमें अगर एक सैंपल दिया है उसमें दोनों सैंपल सेम है तो हमको ऐसे बताया था कि वो मीडियन पे होगा,
उसको अपने पहले अप्रोच से करके देखना, तुम लोग पहले ट्राई नहीं करते हो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, तो पहले ट्राई करके देखो। सर मैंने मैंने किया है सर, इसलिए पूछ रहा हूं। ट्राई किया ये क्वेश्चन, ये मुझे ये मुझे पता था कि सर मीडियन होगा, लेकिन कैसे होगा ये प्रूफ नहीं पता था। मतलब पहले अप्रोच जाओ, कुछ ना कुछ बीच में कंक्लूजन निकलेगा, फिर हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ हो, बट मतलब ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ अप्रोच तो निकलेगा, वो करना पड़ेगा। क्या है, ठीक है नेक्स्ट क्लास में कर ले करके। हाँ करके देखो, ये भेजना मुझे, फिर देखते हैं क्या डाउट है इसमें, तो देख सकते हैं। बाकी मेथड सबके लिए सेम ही है, चाहे कुछ भी फाइंड करना है। तो एनीवे नेक्स्ट क्लास में डाउट ही करूंगा, तो मैं तो चाहूंगा तुम लोग एस्टिमेशन के जो क्वेश्चन जैम में स्पेशली आए हैं वो सारे क्वेश्चन कर लो, और फिर जो डाउट्स एक बार डिस्कस करते हैं, और फिर आगे वो कॉन्फिडेंस इंटरवल डिस्कस करेंगे जो दिया है उसके बाद। 2021 में एक और क्वेश्चन पूछा था, यूनिफॉर्म मिनिमम वेरियस अनवाइज सिस्टम। हाँ वो मैं देख रहा था, तो कोई नहीं करके देखो, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में डाउट ही करेंगे, मेनली एस्टिमेशन के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम लोग ट्राई करके देखो, है ना सर। इस पे थोड़ा टाइम मतलब चाहिए अपने को ताकि अच्छा हो जाए, क्योंकि इसी में सारा कंफ्यूजन है। तो नेक्स्ट क्लास में चलो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।